चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरुआत किया जाए। क्या सभी लोग क्लास से जुड़ गए हैं? एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। और वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो मुझे बता दीजिए, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर होना चाहिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज लंबी देरी तक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीजों को यहां पर हम कैप्चर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास की तरह है, लंबी चलने वाली है, जितनी देर आप टिक सकते हो उतनी देर हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप पूरे समय टिके तो पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो एक बार क्लास शेयर कर दो, बाकी लोग भी जुड़ जाएं और हम लोग क्लास स्टार्ट करें। जय श्री राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलो एक बार मैं टेलीग्राम पे और डाल देता हूं ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन की क्लास स्टार्ट हो गई है। यदि आपने बेल आइकन नहीं क्लिक किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि क्लास यदि स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बिना बेल आइकन के। ठीक है, ओके। चलिए तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कितनी देर की क्लास है बेटा ये डिपेंड करता है आप लोग कब तक टिक सकते हैं, तब तक के लिए क्लास चलेगी। इसमें पूरा कंप्लीट आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो पढ़ाऊंगा, सारी चीज इसमें कवर करवाने की कोशिश करूंगा जितना हो सकता है ना। मे भी हम लोग 3 से 4 घंटे तो कम से कम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये मान लो 3 घंटे तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। बिल्कुल 4 घंटे की क्लास रहेगी, शुरुआत किया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए तो हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका आ चुका है, ये मान लीजिए आपके नंबर यदि 75 अदर कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के 90 से ज्यादा है तो चिंता मत करो, मेंस की तैयारी करना ही है आपको, है ना। अब आप रिजल्ट का वेट करोगे तो रिजल्ट आएगा और साथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा मेंस का, तो फिर तैयारी नहीं कर पाओगे, अभी से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए रिजल्ट का वेट मत करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होगा कि आपको समय दिया जाएगा मेंस के लिए, बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा, थोड़ा ही समय मिलेगा, कम समय में आपको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ग 2 में आने वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर करेंगे कि बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है अलग अलग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, डिवाइड एंगल क्या होता है, इस तरीके से सारी चीजें हम जो 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 आइडेंटिटी उसके अंदर हो सकती है सब चीजें पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि माइंडफोर एकेडमी के 2 चैनल है, एक जो है वो माइंडफोर टेट के नाम से और उसके अलावा माइंडफोर एकेडमी के नाम से, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी और अल्टरनेट यहां पर कंटेंट भी आपको एक एक करके मिलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा कि यदि आपने सब्सक्राइब बटन के बाद बेल आइकन नहीं भी क्लिक किया तो यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगली क्लास कौन सी होने वाली है, क्योंकि यहां पर सारी चीजें शेयर की जाती है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी 25,000 लोग एडेड है, आप भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जैसा नाम है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण से मिलकर बनी मिति। मिति मतलब क्या होता है? आकृति, है ना। मिति का मतलब होता है आकृति। तो 3 कोण से मिलकर बनी आकृति त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, क्या जरूरत है त्रिकोणमिति की वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसकी आइडेंटिटी यहां बनी, किस तरीके से इसको यूज किया गया वो चीजें हम लोग समझेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति यदि 3 कोण, ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया, 3 कोणों से मिलकर यदि कोई आकृति बनती है, उस पर यदि हम रेशियो से रिलेटेड कोई अप्लाई करते हैं मेथड्स, तो वो कहलाती है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? 3 कोणों से मिलकर बनी आकृति पर अप्लाई की जाने वाली जो मेथड है, रेशो मेथड, उसको बोला जाएगा क्या? त्रिकोणमिति। इसमें 3 कौन कौन सी साइड है? जो ये लंबी वाली, यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में
जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। जो एंगल हम अभी मान के चल रहे हैं उस एंगल के सामने जो रहता है उसको बोला जाता है क्या? जो एंगल के जस्ट सामने होता है उसे बोला जाता है लंब। यदि हम लोग इस एंगल की बात करें तो इसके सामने ये लंब होगा, ये एंगल है तो इसके सामने ये लंब होगा। तो ये है कर्ण, वो है लंब, और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? आधार। मतलब जिसपे कोण टिका हुआ है वह कहलाएगा आधार। जिसपे कोण टिका हुआ रहता है वो कहलाता है आधार, और जो कोण के सामने होता है वो क्या होता है? लंब। मतलब एक चीज आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि ये अगर जो एक ट्राइंगल है मैं इस कोण की बात करूं तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, जबकि यदि मैं इसी ट्राइंगल में इस कोण के लिए बात करूं, मान लो इसका नाम अल्फा है, तो उसके लिए ये लंब होगा। लंब का मतलब क्या होगा? लंब मतलब परपेंडिकुलर, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमेशा कोण के सामने वाला होता है, और जिसपे कोण टिका होता है वो आधार कहलाता है। जैसे यहां पर कोण इस आधार पर टिका हुआ है, और यहां पर इस कोण, ये कोण इस आधार पर टिका हुआ है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बेस। कभी भी ना चेंज होने वाला जो है वो एकमात्र होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दोनों में चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले हमने सिर्फ ट्राइंगल पढ़ा कि एक ट्राइंगल है जिसमें तीन चीजें होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कोई भी शुरुआत नहीं की, ठीक है? आपसे ट्रिग्नोमेट्री बनती नहीं है, उसका रीजन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री एक साथ पूरी पढ़ना चाहते हैं। मैं पार्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे सेक्शन, एक एक सेक्शन बताऊंगा, बहुत आसानी से बनेगी, आपको चिंता मत करो, सब चीजें बनेगी, उसकी चिंता मत करो, है ना, मेरी गारंटी। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप एक एक करके चीजों पर ध्यान दें। तो हमने त्रिकोणमिति शुरुआत की, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है वह हाइपोटेनस कहलाती है, जिसपे कोण टिका होता है वह आधार कहलाता है, और उसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। इसके अंदर जो कोण होते हैं वो कोण अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो डिग्री में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो रेडियन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति में सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ना, कि व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज रेडियन, रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। क्योंकि कोण के बारे में यदि आप पढ़ रहे हो और डिग्री रेडियन यदि कन्वर्जन आपको नहीं आता है तो गड़बड़ वाली बात है। तो कोणों को दो तरह से मापा जाता है, एक डिग्री में मापा जाता है और एक इकाई में मापा जाता है, रेडियन में। एक डिग्री में मापा जाता है और एक इकाई में, रेडियन में। यदि हम लोग किसी गोले की बात करें तो किसी गोले के अंदर टोटल मिला के डिग्री जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? बराबर टुकड़े करो 360, हर टुकड़ा कितने डिग्री का होगा? एक डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? एक डिग्री का। मतलब यदि कोई एंगल रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एंगल या तो डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाएगा या काई में रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेडियन में। तो डिग्री तो सब लोगों को पता है, डिग्री सब लोग जानते हैं, डिग्री होता क्या है। आगे बढ़े। अच्छा, प्री में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं थे सर, तो मेंस में भी नहीं होंगे, है ना? कोई बात नहीं, जब आप मेंस देने जाओगे तब देखते हैं। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखो, किस्मत अच्छी थी कि प्री में नहीं थे, है ना? लेकिन यदि आप देखोगे तो छठी से दसवीं तक का आपका आएगा, और देख लेना दसवीं के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाता है ना? वहां ग्यारहवीं बारहवीं का वेट नहीं करना पड़ता, दसवीं में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है, तो आपके क्वेश्चन आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? और यदि उस समय आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा, ये जो मैंने शुरुआत किया, ये डिग्री और रेडियन, ये तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, हम तो उससे भी बेसिक पे चल रहे हैं, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम लोग पहुंचे ही नहीं, ठीक है? आगे बात करें। पता नहीं कौन पेपर बनाता है, एग्जैक्टली यही लाइन है। अगर जो 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फंस गए ना, तो हालत खराब हो जाएगी, वही हालत टाइट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये नॉलेज जो है, ये रिक्वायरमेंट अभी पेपर में है या नहीं है डिपेंड करता है, लेकिन आने वाले भविष्य में जब आप टीचर बनोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगनी ही लगनी है ना। तो अभी पेपर में भी कभी भी मान लो आ गया 15 क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या कर लोगे? उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस समय आपको बहुत जरूरी हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपका जो प्री का था उसमें लिखा हुआ था, है ना, टॉपिक का नाम लिखा हुआ था, क्वेश्चन नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन मेंस में अगर जो क्वेश्चन आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। कोणों को दो तरह से मापा जा सकता है, एक डिग्री में और एक इकाई में, रेडियंस में। डिग्री आप लोगों ने पढ़ा है, कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। लेकिन रेडियन में आपको बता दूं कि रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन, बहुत सारे लोगों को रेडियन ही नहीं पता है। रेडियन होता क्या है कि यदि हम लोग रेडियन की बात करें तो
जितना रेडियस है, जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ यदि आर की हो जाए, जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ काई की हो जाए, आर की हो जाए, वह वन रेडियन होगा। मतलब आर्क आर्क अपॉन क्या रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस बराबर क्या होना चाहिए वन, और ये वन जो होगा ये वन रेडियन के बराबर कहलाएगा, काई के बराबर वन रेडियन। मतलब यदि आर की वैल्यू, ये जो रेडियस की वैल्यू है ये आर की लेंथ के बराबर हो जाए, दोनों की लेंथ बराबर हो, वह वन रेडियन कहलाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके इसमें लिख दें कि वन रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पहला लिख दिया वन डिग्री के बराबर होता है, दूसरा लिख दिया पाई बाय टू डिग्री के बराबर या पाई बाय टू रेडियन के बराबर होता है, या वन रेडियन कुछ और लिख दिया कि रेडियस के डबल के बराबर होता है, या फिर लिख दिया कि रेडियस की वैल्यू यदि आर्क की लंबाई के बराबर हो तो जो एंगल बनता है वो वन रेडियन कहलाता है, तो एग्जैक्टली वही वन रेडियन होता है। तो व्हाट इज वन रेडियन, वन रेडियन इज इक्वल टू, वन रेडियन जो होगा वो आर्क की लेंथ और रेडियस इन दोनों का जो रेशियो है वो वन रेडियन के बराबर होता है। यदि दोनों का रेशियो वन रेडियन, अगर जो वन आता है तो वो वन रेडियन के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों मिलाकर कितना आएगा, वन रेडियन आएगा। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको डिस्कस की, एक डिग्री डिस्कस किया और एक क्या किया, रेडियन। तो यहां पर आपको मैं दिखा दूं कि जैसे मान लो जीरो डिग्री स्टार्ट होता है वैसे ही जीरो क्या स्टार्ट होता है, रेडियन। जहां पर जीरो डिग्री स्टार्ट होता है वहां पर जीरो रेडियन स्टार्ट होता है। रेडियन और डिग्री में हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर पाई बाय फोर रेडियन होता है, पाई बाय फोर क्या होता है, रेडियन, वहां पर डिग्री कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो अब मैं रिलेशन बताऊंगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। हर बार जितना मैं पढ़ाऊंगा, हर बार जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं कंक्लूजन आपको लास्ट में करवाऊंगा। कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, उसका रीजन क्या है, ताकि चीजें हमको याद रहे। मैं पढ़ाते समय 10 चीजें बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी वो शॉर्ट शॉर्ट आपके सामने लिख दूंगा। अभी तक इंपॉर्टेंट बात मैंने सिर्फ आपको एक बताई है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन भुजाएं होती है, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। दूसरा मैंने बताया कि वन रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वन रेडियन जब रेडियस की वैल्यू आर की लंबाई के बराबर हो जाए, दोनों बराबर रहे, उस केस में जो एंगल बनेगा वो वन रेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, तो दोनों के सर्कल मैंने बना दिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने लिखा लिखा लाए, नहीं बेटा ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये नोट्स में एज इट इज मिलेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बदल के बताऊंगा कि बदलते कैसे हैं। तो जो रेडियन और डिग्री में संबंध है वो संबंध है कि 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके, पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब जब 180 डिग्री होता है उसे पाई रेडियन कहा जाता है। कितना रेडियन कहा जाता है, पाई रेडियन। यदि 180 डिग्री एंगल जो बन जाता है 180 डिग्री को ही पाई एंगल कहा जाता है। मतलब यदि कोई 1 डिग्री पूछना चाहे तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन, और रेडियन का जो साइन है वह सी से दर्शाया जाता है, मतलब पाई बाय 180 और उसकी पावर क्या आता है, सी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, है ना, हाँ हिंदी में बता रहा हूं बेटा, रेडियन को हिंदी में रेडियन ही बोला जाता है, मैं और क्या बोलूं उसके बारे में, बताऊं हिंदी में कैसे बोलूंगा। हाँ मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलूंगा, चिंता मत करो, लेकिन रेडियन रेडियन ही होता है ना, उसमें और क्या बोलूंगा। तो मैंने सबसे पहली चीज बताई कि एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, ये बेसिक चीज पढ़ाई। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि वन रेडियन, जो एक रेडियन है वो बराबर होता है किसके, कि यदि कोई वृत्त की रेडियस है, यदि कोई वृत्त की ये रेडियस है तो इतना ही रेडियस के बराबर यदि मैं आर्क ले लूं, जितनी रेडियस की लंबाई है उतने ही आर्क की लंबाई है, तो ये जो एंगल बनेगा ये वन रेडियन के बराबर होगा। इसको डिग्री ना लिखते हुए वन की पावर क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, वन की पावर सी, सी का मतलब होता है रेडियन। तो एक डिग्री कितने के बराबर होता है, एक डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन, या फिर पाई बाय 180 डिग्री, 180 के पावर क्या, सी। आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन है कि एज इट इज नोट्स मिलेंगे, आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है कि सर करते क्या जा रहे हैं, सर ये लिखते क्या जा रहे हैं, सर ये जो बता रहे ये है क्या, है ना, ये चीजें आपको समझ में आने लगे। यदि मैं इसको सॉल्व करूं और इसको इधर लेके आऊं तो पाई बटे में चला जाएगा, तो वन रेडियन अगर जो वैल्यू निकालू, वन रेडियन की वैल्यू निकालू, तो वन रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, और ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत काम आने वाली आइडेंटिटी है, कन्वर्ट करने के बहुत काम आते,
क्योंकि आपसे बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, तोप जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन हमारे लिए तोप बन जाएगा। उसका रीजन क्या है, हमारे दिमाग में सेट है कि प्री में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, कभी आ गया मेंस में तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं। और रही बात आप तैयारी कर रहे हो एमपीटेट, अच्छी बात है, कोई दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हो, मेरी गारंटी ये काम आएगा, हर एक चीजें आपको, हर एक चीजें यहां पर काम आएगी। अब कैसे काम आएगी, जैसे मान लो उसने बोल दिया पहला क्वेश्चन कि बताओ भैया 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ये क्वेश्चन में डाल दिया कि 60 डिग्री को आप रेडियन में बदलाओ, 60 डिग्री जो है वो रेडियन में कितना होगा, और पहला ऑप्शन दे दिया पाई बाय 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया पाई बाय 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 पाई बाय 3, चौथा ऑप्शन दे दिया 3 पाई बाय 5, करेक्ट। ये काई में बदलना है हमको, डिग्री को रेडियन में, है ना। तो डिग्री को रेडियन में बदलना बहुत आसान है, कैसे डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं, आपको याद ये रखना है कि रेडियन में जाना है तो रेडियन काई के लिए चाहिए, पाई के लिए चाहिए, और जहां पाई चाहिए वहां पाई लाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई से गुणा करेंगे और भाग काई से देंगे 180 से, है ना। देखो पाई बाय 180 और 180 बाय पाई, इन दो के अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, एक पाई बाय 180 और एक 180 बाय पाई है। जहां पाई लाना है वहां पाई का गुणा करो, जहां पाई हटाना है वहां पाई से भाग दो। यहां पाई लाना है तो पाई से गुणा किया, 60 से भाग दिया, 3 बार गया, मतलब आंसर कितना आ गया पाई बाय 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई बाय 3 रेडियन। इतना छोटा सा सवाल भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा सवाल है लेकिन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाना। जैसे मान लो मैं एक एंगल और ले लेता हूं, एक एंगल क्या है, यहां मैंने 5-6 एंगल ले रखे हैं। जैसे मान लो पहला दे रखा है 45 डिग्री, बताओ 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो आप 45 डिग्री का मल्टीप्लाई बाय सीधा पाई बाय किससे करेंगे, 180 से, 45 से भाग दिया, 4 बार गया, मतलब आंसर आ गया पाई बाय 4, और ये काई में कन्वर्ट हो गया रेडियन। चलो एक मैंने कन्वर्ट करके दिखाया, 76 का आप कन्वर्ट करके दिखाओ, 76 का क्या होगा, 76 डिग्री दिया हुआ है, यदि मुझे इसे रेडियन में बदलना है तो बताइए कितना रेडियन होगा। ये तो हो गया पाई बाय 4 काई का, पहले वाले का। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरे वाले का क्या होगा, 76 का क्या होगा, तो 76 को बदलने के लिए वही गुणा करना पड़ेगा, 76 गुणे पाई बाय कितना 180, क्योंकि डिग्री को काई में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग दिया कितना आएगा, तो 2 से 38 या 4 से चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग दिया, 4 × 4, 4 × 36, 4 से भाग दिया तो 45, मतलब आंसर आ जाएगा 19 पाई, कितना पाई 19 पाई बटे कितना 45। ये मैंने डिग्री को काई में बदल दिया रेडियन में, ठीक है। सर जी का नाम क्या है, मेरा नाम जय है बेटा, है ना, बिल्कुल ये आ जाएगा 19 पाई बाय 45। जैसे 510 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है तो 510 डिग्री को रेडियन में, रेडियन मतलब पाई बाय कितना 180। अब देखो बहुत सारी जगह पाई का मतलब आप 22/7 भी लिख सकते हो, क्योंकि 22/7 जो है वो भी कायम है रेडियन में, पाई की वैल्यू जो है 22/7 वो भी कायम है रेडियन में, तो इसीलिए पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह ऑप्शन में पाई लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटा तो ये हो जाएगा 17 पाई बटे कितना 6, मतलब आंसर आ जाएगा 17 पाई बाय 6 जो कि करेक्ट आंसर होगा। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं -240 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो -240 को रेडियन में बदलना है, मतलब -240 गुणित पाई बाय कितना 180, 0 से 0, 6 से काटा 6 × 24, 4 π/6 = 18, तो -4 π/3। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो रही होगी कि जब भी रेडियन में बदलना है तो पाई का गुणा करते हैं और भाग 180 से देते हैं, काई से गुणा करते हैं, पाई से गुणा करते हैं और भाग काई से देते हैं 180 से। जैसे आखिरी 0 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 0 डिग्री गुणित पाई बाय कितना 180, 0 का गुणा किसी से करो 0 रेडियन, मतलब एकमात्र जगह है जहां पर दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की वैल्यू जो है वो बराबर है, वो कहां पे, 0 पे, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों 0 पे कितना होते हैं, 0 होते हैं। तो पहला वाला जो हमने निकाला था पाई बाय 4, 19 पाई बाय 45, 17 पाई बाय 6, -4 π/3 और 0 डिग्री 0 रेडियन। तो अभी तक मैंने सिर्फ दो चीज आपसे डिस्कस की, पहला डिस्कस किया कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है जिसको बोला जाता है लंबकर्ण और आधार, दूसरा कोण दो तरीके से होते हैं, डिग्री और रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है ये सिखा रहा हूं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। अब जैसे ये रेडियन है, ये क्या लिखा है रेडियन,
इसको डिग्री में बदलना है, तो इसको डिग्री में बदलना है तो क्या है, पाई हटाना है, तो 3π/4 जो लिखा है, एक काम करो इसमें पाई का भाग दो और गुणा का इसे करो 180 से। यदि पाई हटाना है तो पाई से भाग देना पड़ेगा, और पाई से भाग देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, मतलब ये जो डिग्री, ये रेडियन जो है ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, 180 जो होता है वो डिग्री होता है, तो ये डिग्री में पहुंच जाएगा, उस केस में पाई से पाई कट जाएगा, 4 से भाग दिया तो 45 आ जाएगा, 45 या 135 डिग्री होता है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। वेरी गुड बेटा, पहला आंसर जो सबसे पहले दिया है वो दिया है किरण ने। अगला सवाल आप सभी लोगों के लिए, बताइए क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 5π/6 दिया है, कन्वर्ट करिए। मैं कठिन से कठिन सवाल लेके आऊंगा लेकिन शुरुआत बहुत बेसिक से करूंगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका आंसर कितना होगा 5π/6 का, तो 5π/6 इसका जो गुणा करेंगे हम 180 बाय का इसे, पाए से पाए कट जाएगा, 6 से कितनी बार, 30 बार, 3×5=15, आंसर आ जाएगा 150 डिग्री करेक्ट आंसर। कितना होगा 150, लाइन से सभी लोगों ने 150 दिया, वेरी गुड 150 विजेश। हाँ देखो, इंटरेक्ट करोगे ना तो चीजें ज्यादा याद रही है ना, जितना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा चीजें याद रहेगी, जितना कम इंटरेक्ट करोगे उतनी दिक्कत आएगी। जैसे अगला 3π/2, चलो अगला 3π/2 को कन्वर्ट करके बताओ 3π/2 का कितना होगा, 270 डिग्री। बढ़िया, 270 डिग्री लखन गुर्जर, वेरी गुड। उसके अलावा नम्रता 270 करेक्ट है। 3π/2 का मतलब है मल्टीप्लाई करना है 180 बाय का इसे, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग दिया तो 90 × 3 = 270 करेक्ट आंसर है, 270 डिग्री आएगा जो कि सही रहेगा। अगला है 7π/4, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 7π/4 जो दुख दे रहा है वो पाई दे रहा है, तो पाई से भाग दो और गुणा 180 से करो, पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 से भाग दिया तो 45 और 45 का गुणा 7 से किया तो 728, 280, 7×5=35, मतलब 315 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 315 डिग्री, ठीक है 315 डिग्री करेक्ट है। अगला, अच्छा 108 आ रहा है क्या, 7π/4 बेटा, 7π/4 की पूछ रहे हैं, 315 करेक्ट है। अच्छा सपना, आखिरी वाला बता दिया क्या आपने, 3π/5, चलो 3π/5 भी कर लेते हैं, 3π/5 मतलब 180 बाय कैसे करेंगे गुणा पाई से, पाई से पाई कट गया, 5 से भाग दिया, 5×3=15, 5×5=30, 36 + 108 डिग्री करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, हाँ भैया बेसिक तो है, आपका पेपर भी तो इतना बेसिक रहेगा, मतलब रूट से पूछा जाएगा, देख ना ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, अभी मजे लेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा, है ना, हम लोग इसी में और डीप जाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की है ना कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, फिर रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखी। यहां पर मैंने बेसिक आपके सामने कन्वर्जन लिख दिया था, एक कन्वर्जन इसमें और मैं लिखना चाहूंगा कि यदि आप बात करें, यहां इधर साइड में लिख रहा हूं कि यदि हम बात करें कि 1 रेडियन या 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है, ये डैश से मिनट दर्शाते हैं, काई को दर्शाते हैं मिनट, और यदि 1 मिनट की बात करें तो कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिग्री के बाद मिनट भी होता है और मिनट के बाद सेकंड भी होता है, मतलब यदि 360 डिग्री है, पूरी धरती को 360 डिग्री में बांटो तो एक डिग्री का कोण जो आएगा, यदि उसके 60 बराबर टुकड़े करोगे तो एक मिनट का कोण आएगा, और उस एक मिनट के कोण के 60 बराबर टुकड़े करोगे तो एक सेकंड का कोण आएगा। तो इसी तरीके से कोण को और अंदर तरीके से बांटा जाता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बेटा, क्लियर क्लियर, लास्ट वाले का था 108 में समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने ये जो चीजें समझाई आपको समझ में आ गई, पहला कि एक डिग्री में 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, एक डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है, और एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री होता है, ये तीनों चीजें आपके सामने लिखी है। एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। जैसे कोई बोले कि एक डिग्री में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 3600 सेकंड होता है, मतलब 3600 पार्ट किए जा सकते हैं, हर टुकड़ा जो होगा वह टुकड़ा एक सेकंड को दर्शाएगा,
ठीक है, इस तरीके से एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो यहां तक मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन, वृत्ताकार माप में 11 डिग्री 15 मिनट का मान क्या होगा। देखो कितना सिंपल सा, बिल्कुल साधारण तरीके से उसने लिख दिया और मजे ले लिए कि जिनको नहीं पता है बेटा चुपचाप बैठे रहो, क्वेश्चन बहुत शानदार है। 11 डिग्री और 15 मिनट को आपको रेडियन में बदलना है। बताओ, बदल के बताओ कैसे बदलेंगे। नोट्स कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल माइंड फॉर एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मैथ्स बाय जयसर नाम से। दोनों में से कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेटा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने किरण अहिर ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर क्लिक किया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। वृत्ताकार माप में कोण 11 डिग्री 15 मिनट का मान क्या होगा। 11 डिग्री और 15 मिनट का मान क्या होगा। जो आपके प्री का पेपर हुआ है उसका कल मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरा पेपर जो आपका हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो यदि कोई बच्चा सॉल्यूशन देखना चाहता है कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, तो कल जो क्लास होगी वो 10 से 11 वाली में मैं आपका पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए 11 डिग्री 15 मिनट वृत्ताकार माप का कोण, इसको काय में बदलना है हमको, रेडियन में। इसको काय में बदलना है, रेडियन में। तो 11 डिग्री 15 मिनट को पहले डिग्री में बदल लेते हैं। तो 11 डिग्री तो 11 है ही सही, 15 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 15 मिनट को डिग्री में बदलना है तो भाग काय से देंगे 60 से, ताकि ये पूरा का पूरा काय में कन्वर्ट हो जाए डिग्री में। 15 चौक 60, 11 चौक 44 और एक कितना हो जाएगा 45, मतलब 45 बटे 4 काय में कन्वर्ट हो गया डिग्री। एट लास्टली हमको इसको काय में पहुंचाना है, रेडियन में पहुंचाना है। तो रेडियन में पहुंचाना है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय काय से, 180 से, ताकि ये काय में कन्वर्ट हो जाए रेडियन में। 45 से भाग दिया कितनी बार जाएगा, 4 बार, मतलब पाई बाय 4 चौक 16 आंसर आएगा, पाई बाय 16 रेडियन। पहला ऑप्शन करेक्ट है, जिस भी बच्चे ने पहला आंसर दिया वेरी गुड, पाई बाय कितना आएगा 16, जो कि करेक्ट है, पाई बाय 16 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल हर संडे मैराथन रहेगी बेटा, हर संडे। बस ये डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं ना, यदि आप लोग भी मैच में बिजी है तो बात अलग है ना, लेकिन यदि आप पढ़ने के लिए इच्छुक है तो बिल्कुल हर संडे आपकी मैराथन होगी। यहां पर आप देखोगे ये काय में दिया हुआ था डिग्री, ये डिग्री ये काय में था, ये मिनट में था, मिनट को मैंने काय में बदला, मिनट को मैंने डिग्री में बदला। एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो एक मिनट में कितना डिग्री होगा, 60 से भाग दे देंगे, इसीलिए मैंने 60 से भाग दे दिया ताकि वो काय में बदल जाए, वो बदल जाए आपका डिग्री में। फिर डिग्री में बदलने के बाद मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया पाई बटे 16, मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। एक रेडियन का डिग्री माप कितना होगा, एक रेडियन में कितना डिग्री होगा। एक रेडियन ऐसा लिख देता हूं, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक रेडियन का डिग्री माप कितना होगा, एक रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो देखो रेडियन मतलब क्या होता है, रेडियन मतलब होता है एक रेडियन, यदि कोई बोल रहा है तो एक रेडियन बराबर कितना होगा। यदि रेडियन को मुझे डिग्री में बदलना है तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका होता है, रेडियन से डिग्री में जाना है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय कितना पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ताकि ये काय में कन्वर्ट हो जाए डिग्री में। 180 में पाई का भाग देते हैं तब जाके वो डिग्री में कन्वर्ट होता है। ये रेडियन है ना, जैसे ये रेडियन होता 2 बटे मान लो 2 पाई बाय 3 रेडियन होता, आप डिग्री में कैसे बदलते, 180 बटे पाई से गुणा करते। अब भले इसके साथ पाई नहीं है, ये एग्जांपल दिया मैंने, भले इसके साथ पाई नहीं है पर किया तो वैसे ही जाएगा ना, 180 बाय काय से पाई से, और 180 बाय पाई से करेंगे तो मतलब 1 × 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई कितना होता है 22/7, मतलब 7 गुणा में चला जाएगा। तो ये 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 90 बार, मतलब 730, 963, 630 बटे कितना हो जाएगा 11, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। चलो 11 से भाग दिया तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 11 × 5 = 55, बचा कितना 5 × 3 = 8 = 80, 11 × 7 = 77, मतलब 57 डिग्री। और बचा कितना है, तो बचा हुआ है कितना, बचा हुआ है 3 3 बटे कितना 11, ये भी काय में डिग्री में,
ये डिग्री को मिनट में बदलना है तो काई से गुणा करेंगे 60 से, काई से गुणा करेंगे 60 से, ताकि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाए काई में मिनट में। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री और क्षेत्रीय 18 180 बटे 11, 10 नहीं था, कितना है 11, काई में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। जब 11 से भाग देंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 × 66, मतलब ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 11 × 66, 11 एकम 11, 7 बचा 70, 11 × 66 बचा कितना 4, 4/11 और मल्टीप्लाई वापस से काई कर दो, 60 से कर दो ताकि ये काई में कन्वर्ट हो जाए सेकंड में, ये सेकंड में पहुंच जाए। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 6 × 24 240/11 कितना 11, 11 × 22 2 बचा 11 एकम 11, 21 मिनट अप्रोक्स। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, ये वैल्यू याद ही कर लेना, ये वैल्यू आपको याद ही कर लेनी है, 57 मिनट 16 सेकंड 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वैल्यू पे आ जाता है, ये वैल्यू याद ही हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू चेंज ही नहीं होने वाली, एक रेडियन की जो वैल्यू है वह डिग्री में फिक्स है, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है ना। अब कोई बच्चा पूछेगा कि यार ये गणित इतना पढ़ाते हैं, इतनी गणित अंदर तक जाती है, क्या काम आती है, बहुत काम आती है बेटा, बहुत काम आती है। यदि आप 40 फीट लंबी एक रस्सी ले लो और उस 40 फीट का यदि आर्क बनाओगे तो जो एंगल बनेगा ना वो इतना बनेगा, देखो कितनी आसान है गणित, कितनी काम आने वाली है गणित। आप 100 फीट का ले लो, 100 फीट ऐसे ले लेना, एंगल इतना आ जाएगा। आप 300 फीट ले लो, 300 फीट का आर्क बना लेना, एंगल इतना आ जाएगा, एंगल बदलेगा ही नहीं यदि रेडियस सेम रही तो। बात समझ रहे हो, ये काम आता है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली जो चीज है वो ये कि आप एप्लीकेशन पे जाओ, थ्योरी जो है वह तब हमारे दिमाग में बस के रहती है जब हमको उसका एप्लीकेशन पता हो। यदि एप्लीकेशन नहीं पता है, बहुत सारों को तो यही नहीं मालूम कि ट्रिग्नोमेट्री बनाया क्यों, तो कैसे याद होगा, कैसे समझ में आएगा कि काम क्या है। हमको जरूरत पड़ेगी तब ना, आपको तो यह पता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, आज आपको मोबाइल चलाना आता है, आता है कि नहीं आता है, सब लोग मोबाइल चला लेते हैं, तुरंत खोलते हैं यूट्यूब, अच्छा सर की क्लास चल रही है, खोल लिया सब कुछ, उदाहरण आता है नहीं आता। हम एप्लीकेशन उसी का यूज करते हैं, हम चीजें, एप्लीकेशन मतलब वो मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हम चीजों का प्रयोग उन्हीं चीजों का करते हैं जिनकी हमको जरूरत होती है, जिनकी जरूरत नहीं होती हम उनको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आपने आपके जीवन में यूज करना बंद कर दी, किसके थ्रू करवा रहे हो, इंजीनियर यूज कर रहा है, जिसको पैसा कमाना है वो यूज कर रहा है, बाकी सब लोग यूज कर रहे हैं, आप क्यों यूज करोगे। आपको घर एलिवेशन बनाना है, हाँ भैया कैसे बनाएगा, बना दो, वो बनाएगा, हमको थोड़ी ना लोड लेना है। यदि आप लोड लेते तो आपको भी आती ट्रिग्नोमेट्री है ना, कि यार इतनी हाइट है, इतना एलिवेशन जाएगा तो कितना मटेरियल लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरीके से होगा, वहां ट्रिग्नोमेट्री काम आता। तो ये जो डिग्री है, ये रेडियन है, ये सिर्फ कन्वर्जन है, ये सिर्फ कन्वर्जन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, उससे उसके अलावा नहीं। जैसे मैं क्लास में बहुत बार एग्जाम्पल देता हूं, ये जो ये आपके हाथ में मोबाइल है ना, जैसे आप आज सोच रहे हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम एंड्रॉइड, आज से 50 साल पहले तो मोबाइल देखा ही नहीं था, आज अगर सब निपट जाए और आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हो तो भी आप आदिमानव बन जाओगे। उसका रीजन क्या है, आपको सिर्फ चलाना आता है, आपको बनाना थोड़ी ना आता है, एक बार निपट गए सब खत्म, फिर वही जीरो पे आ जाओगे। तो इसलिए चीजों को यदि आज के बाद जैसे पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, है ना, इस तरीके से कोई नॉलेज गैदर करो कि वो नॉलेज डिलीवर कर सको किसी और तक, तब जाके मजा आएगा चीजों में। जैसे मान लो ये मैंने आज बताया आपको कि रेडियन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये पता है रेडियन होता है, क्या होता है रेडियन, सिंपल सी बात, एक रेडियस उतनी लंबाई का आर्क बन रहा है, यदि वो एंगल बनेगा उसे रेडियन में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अरे भाई जिसको लगा था उसने नाम रखा, उसने रखा, ये मैंने थोड़ी ना रखा। अब कोई पूछे कि आपका नाम जय क्यों है, तो भैया मेरे पिताजी ने रखा है ना, अब रख दिया तो फिक्स है वो चीज की जय ये, हाँ ये कहीं भी दिखेगा ये फोटो तो मैं जय बोल दूंगा थोड़ा, तो वैसे ही जहां भी मुझे दिखेगा कि ये और ये लेंथ आ रहे और ये आ रहे, भैया ये जो एंगल बन गया ना, ये एंगल जो है वन रेडियन है, खत्म बात, ये वन रेडियन की बात हो गई, ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने वन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देखा, ये हो गई ज्ञान की बात, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक रेडियन जो हमने कन्वर्ट किया, काई में कन्वर्ट किया डिग्री में, तो डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। अब बहुत सारे बच्चे यूनिट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी यूनिट बनाने की क्या जरूरत है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इतना सारा, जैसे यहां हो गया ना डिग्री में, हो गई थी ना बात, तो फिर मिनट सेकंड में क्यों गए। भैया जब आप अपने जीवन में आओगे ना तो समझ में आएगा, जैसे आपको बोल दिया जाए ना कि धरती को नापना है, तब समझ में आएगा क्या चीज है।
है ना, क्या क्यों डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ा, या क्यों डिग्री को मिनट में बदलना पड़ा, क्यों मिनट को सेकंड में बदलना पड़ा? क्योंकि भैया एक डिग्री कूदा तो चार देश कूद गया। यदि मैप को डिग्री में ही रिप्रेजेंट किया जाता, मिनट और सेकंड में नहीं आते, तो एक डिग्री में तो आप 50-60 देश पार कर देते। कुछ एक जगह तो ऐसी आती, छोटे छोटे देश, एक डिग्री बहुत बड़ा हो जाता। तो वहां पर जरूरत पड़ी कि मिनट में जाना पड़ेगा, अच्छा मिनट से भी छोटा सेकंड में जाना पड़ेगा, ऐसी जरूरत पड़ती। ठीक है, ये कन्वर्जन यूनिट जो है ये काम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी में 75 डिग्री, एबीसी 75 डिग्री और एसी बी पाई बाय 4 है, तो बीएसी वृत्त का माप क्या होगा? कोण, तीन कोण मजे ले लिए, एक डिग्री दे दिया, एक रेडियन दे दिया और तीसरा वाला रेडियन में पूछ लिया। क्वेश्चन छोटा सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये क्वेश्चन का ही का है, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये क्वेश्चन है त्रिभुज का, है ना, ज्योमेट्री का। लेकिन पूछ क्या लिया उसमें, रेडियन, है ना, उसमें क्या पूछ लिया, रेडियन, कि एक 75 डिग्री एंगल दे दिया, ये बना दिया त्रिभुज मैंने, है ना, कुछ भी एंगल एंगल लिखना है सिर्फ, ये है कितना 75 डिग्री, एक एंगल दे दिया पाई बाय 4 और एक एंगल आपसे पूछ लिया कि बताओ ये एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा, आप बताना है आपको। बिल्कुल, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना, ये या तो डिग्री में ले लो या रेडियन में ले लो, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण, यदि मैं इसका एक्स नाम मान लू, इसका वाई मान लू और इसका जेड मान लू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही क्या बोला जाता है, पाई रेडियन, है ना, तो या तो रेडियन में मान लू या डिग्री में मान लू, बात तो एक ही है। तो मैंने कन्वर्ट किया कि पाई बाय 4 जो है ये डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो पाई बाय 4 को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से भाग दिया 45, तो एक हो गया 75 डिग्री, एक हो गया 45 डिग्री, तीसरा वाला पता कर लेते हैं, तो 180 डिग्री में से घटा दो, x बराबर 5, 5 जोड़ा तो 10 हो गया, 180 माइनस 10 का शून्य, यहां से ले 7 4 11 और 1 12 120, मतलब बच कितना गया 60 डिग्री। लेकिन हमसे जो पूछा वो काई में पूछा है, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 60 से भाग दिया 3, मतलब आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सरल है ना, लेकिन उसने बेसिक्स पूछना चाहा। बहुत सारे बच्चों ने सेकंड आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। देखो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, धीरे धीरे हम कठिन सवाल पे भी जाएंगे, बहुत कठिन सवाल पे भी जाएंगे, लेकिन हम लोग बेसिक से उठा के जाएंगे। डायरेक्ट में हवा में पहुंच गया ना, तो फिर मैं ही नहीं समझ पाऊंगा कि आपको किस जगह तक पहुंचाया जाए, है ना। यहां से मैं शुरुआत करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि ये सब चीजें मैं क्लियर करते आया हूँ, ये सब चीजें क्लियर करते आया हूँ। डिग्री पता है आप लोगों को, रेडियन पता है आपको, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, किस तरीके से बढ़ती है, सब चीजें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यदि कोई सर्कल है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई सर्कल है, इस सर्कल में अच्छे से मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि इस सर्कल के अंदर यदि मैं कोई ट्राइंगल लेता हूं, क्या ट्राइंगल लेता हूं, कोई ट्राइंगल लेता हूं एक सिंगल यूनिट का, है ना, जिसकी लेंथ क्या है, फिक्स है, सिंगल यूनिट। ये ट्राइंगल इधर भी हो सकता है। जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, ए टू जेड। ये सारे ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूं एक ही जगह से बना रहा हूं, किस जगह से बना रहा हूं, सेंटर से। और ये सारे ट्राइंगल जो है इसकी एक कंडीशन फिक्स है कि इनके हाइपोटेनस जो है वो 1 यूनिट है। कितने यूनिट है, 1 यूनिट, एक यूनिट की। क्यों एक यूनिट की, क्योंकि ये जो सर्कल लिया मैंने ये 1 यूनिट का लिया कि यहां से यहां तक 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी यूनिट मान लो 1 मीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है। थोड़ा डीप लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो आप। फिर मैं हवा में भी लेके आऊंगा छोटी छोटी चीजें, वो ऐसे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सोच रहा कि कोई बच्चा समझना चाहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक बात वास्तव में होती क्या है, तो वो सारी चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि इस तरीके से कोई ट्राइंगल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस ट्राइंगल को हर सर्कल के पॉइंट पे टच करने पर एक बिंदु बनेगा। ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। जैसे मान लो मैं यहां पर ये डायग्राम बनाऊं, ये सर्कल बनाया, ध्यान से देखना, ये सर्कल बनाया और इस सर्कल पे ये जो है x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है। यदि मैं यहां पर टच करूंगा तो यहाँ x और y की वैल्यू होगी या नहीं होगी, एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, y x की वैल्यू इस तरफ रिप्रेजेंट की जाएगी और y की वैल्यू इस तरफ रिप्रेजेंट की जाती है, एक तरफ x की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है और एक तरफ y की। उसी x y को sin थीटा और cos थीटा कहा गया है,
है ना, एज अ हम मान सकते हैं, है ना, होता तो नहीं है लेकिन एज अ हम मान सकते हैं कि यही जो है, ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की वैल्यू है, और ये जो इस तरफ से आएगी ये काई की वैल्यू है, कॉस थीटा। और यदि आप इस डीप लेवल पे समझ पाएंगे, है ना, हाँ बिल्कुल, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ए टू जेड जो चीजें वो सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है, एक एक चीजें बता रहा बेटा मैं, एक एक चीजें कवर करवा रहा, ये मैं सिर्फ गोला एक समझा रहा हूँ, फिर इसको धीरे से मैं कन्वर्ट करूंगा काई में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, और सिंपल सी लैंग्वेज में वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। तो ये जो है ना, इसको जो वैल्यू को है एक्स की वैल्यू को, ये साइन वैल्यू साइन थीटा के फॉर्मेट में ली गई, और ये जो वैल्यू है जो वाई एक्सिस पर, कौन से वाई एक्सिस पर जो है, ये एक्स एक्सिस वाली जो है, ये इस तरफ वाली को क्या लिया गया, कॉस थीटा, और जो ये इस तरफ वाई एक्सिस वाली है इसको क्या लिया गया, साइन थीटा, इसको क्या लिया गया, साइन थीटा, और दूसरी वैल्यू को क्या लिया गया, कॉस थीटा। यदि आगे मैं इस डायग्राम को और लेके जाऊंगा तो इस डायग्राम में आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये जो मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला है कि इस तरफ जो वैल्यू जाएगी, इस तरफ वो वैल्यू जो रहेगी वो किसके लिए रहेगी, साइन थीटा के लिए। इस तरफ जो ट्राइंगल है इसमें जो वैल्यू जाएगी वो किसके लिए रहेगी, साइन थीटा के लिए, और इस तरफ जो जाएगी वो किसके लिए रहेगी, कॉस थीटा के लिए। ये आपको आने वाले समय में बहुत काम आएगी जब मैं और भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, तो ये यूनिटी को दर्शाता है, यूनिट मतलब एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ रखा है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। और इसीलिए ये यूनिट पे होता है, ये यूनिट वैल्यू का अगर जो आप सर्कल लेके चल रहे हो तो ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे मालूम है कि अभी आपको हवा कम लग रही होगी, धीरे धीरे लगना चालू होगी। देखो मैं धीरे धीरे, मुझे खुद को पता है कि कहां पे जाके बच्चा पूरा कैप्चर कर पाएगा। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी वो सिर्फ इतनी बताई थी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। दूसरी चीज मैंने आपसे डिस्कस की डिग्री और रेडियन, उसके अलावा अभी आपको कुछ नहीं समझाया, सिर्फ एक गोला बताया था, उस गोले के बारे में बताया था कि यदि ऐसा कुछ दिखे तो वो साइन है, और यदि नीचे वाला कुछ दिखे तो क्या दिखेगा, कॉस। चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चालू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चालू करते हैं कि ये एंगल यदि 90 डिग्री है और ये जो है एंगल इसको लेके चल रहे हैं थीटा, इसको एंगल लेके चल रहे हैं थीटा। तो एक साइंटिस्ट जी आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उन्होंने बोला इसका नाम परपेंडिकुलर है, इसका नाम बेस है, और इसका क्या है, हाइपोटेनस। तो उन्होंने बोला कि जो साइन वैल्यू रहेगी साइन थीटा एंगल की वो रहेगी परपेंडिकुलर क्या, अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो वैल्यू रहेगी, इन दोनों का जो रेशो रहेगा वह किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा मतलब एंगल के बराबर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये गोला आपने बताया था वो क्यों बताया था, वो गोला जो था बेटा यही दुनियादारी यहां से डिसाइड हुई थी, यूनिट से। कोई भी चीज हजारों से नहीं बनती, एक यूनिट से बनती है। कैसे, अब मैं आपको थोड़ा और डीप ले जाने की, है ना, एक और डीप ले जाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि यार मेरे यहाँ शादी है, 400 लोगों को खाना बनाना है, सामने वाला क्या बोलेगा, चार पिक पे तेल लगेगा, नहीं, पहले वो अंदाजा लगाए, कैसे अंदाजा लगेगा, एक आदमी कितना खाएगा, अच्छा चार पूरी खाएगा, 400 लोग 1600 पूरी निकालने के लिए कम से कम 15 लीटर 20 लीटर तेल लगेगा, मतलब एक पिप्पा और एक 5 लीटर का और लगेगा, ऐसे एक सिंगल यूनिट पे आया जाता है, उससे काम किया जाता है। तो जो पहली बार डिसाइड हुआ था वो कैसे डिसाइड हुआ था, एक यूनिट का सर्कल बनाया और एक यूनिट के सर्कल पे एंगल ले लेकर देखा, एंगल पे रेशो ले लेकर देखा कि ये साइन थीटा का जो एंगल है ये कहां जा रहा है और कॉस थीटा कहां जा रहा है, साइन थीटा कहां जा रहा है, कॉस थीटा कहां जा रहा है, साइन थीटा कहां जा रहा है, कॉस थीटा कहां जा रहा है। और जब इसको बढ़ाकर भी देखा ना कि जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाते, जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाते उसी रेशो में इसकी वैल्यू बढ़ती है, उसी रेशो में इसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब रेशो जो होता है वो सेम रेशो होता है, रेशो कभी बदलता नहीं है। तो यहां से इन लोगों ने डिसाइड किया कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर से रिलेट करता है हाइपोटेनस को, वैसे ही कॉस थीटा है वह बेस को रिलेट करता है किसको, हाइपोटेनस। एक जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर का रिलेशन है हाइपोटेनस से, कॉस थीटा जो है वो बेस का रिलेशन है हाइपोटेनस से, और एक बचता है टेन थीटा, टेन थीटा का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का किसके साथ है, बेस के साथ। ये तीनों रिलेशन उन्होंने शुरुआत में बनाया, कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आप बोलोगे सर एक एप्लीकेशन करके बताओ, कैसे एप्लीकेशन, कैसे काम आया, किस तरीके से काम आया। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाली, कितने डिग्री की, साइन 45 डिग्री, कैसे निकाली, उन्होंने एक यूनिट का सर्कल बनाया, एक यूनिट का सर्कल बनाया और यहां पर एंगल तो उनको बनाना आता था, कितने डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया, एक यूनिट है ये तो फिक्स था, एक यूनिट है। जब उन्होंने इनकी वैल्यू निकाल के देखी
किनकी, इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखी। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी बराबर कितना होता है, 1/√2। दोनों की वैल्यू क्या आई, समान। तो वो तो शॉक्ड, क्या शॉक्ड कि भैया जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये, ऐसा होता है क्या। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी लंबाई एक यूनिट की जगह 2 यूनिट कर, फिर जो वैल्यू आई वो और ये क्या है, बराबर है। हर बार वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमको रिलेशन साबित हो रहा है किसका, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ और बेस का हाइपोटेनस के साथ, वो चीजें यहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब इसको बोला जाता है लंब, ये होता है क्या आधार, और ये जो होता है ये क्या होता है कर्ण। जो मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान सिर्फ डीप लेवल पे जाने के लिए, बेसिक लेवल पे यदि आप पढ़ोगे तो यही सफिशिएंट है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, है ना। इसका जस्ट अपोजिट नाम होता है साइन का, होता है कॉसेक, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक, सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आखिरी में जो होता है टेन, टेन का होता है कोट, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। सारे एंगल के साथ है, थीटा के साथ है, एंगल के साथ है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे आपने हिंदी में पहले पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद रखने का तरीका था, है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या याद किया होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों ने याद किया होगा, हिंदी मीडियम वालों ने क्या किया होगा, परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब और इसको बोला जाता है कर्ण, ये हो गया कर्ण, बटे में क्या आ गया लंब। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो ये आधार, बटे में है कर्ण, और यहां पर अगर जो बात करें कर्ण बटे में आधार, इसी के साथ यहां पर बात करें आधार बटे में क्या है कर्ण, सॉरी लंब, और एक आखिरी वाला, ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, ये जो है लंब बटे आधार। ये सारे चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री की, है ना, एक एक करके हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट की। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिग्री को रेडियन में कैसा बदला जाता है, फिर रेडियन को डिग्री में कैसा बदला जाता है, देन उसके बाद हम आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब के बटे में कर्ण की वैल्यू साइन थीटा कहलाती है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, उसके अलावा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, वैसे ही सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, और ये आधार बटे लंब। ठीक है, ये जो लग रहा है ये सारा सब काई के अंदर लग रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लग रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी थिंग होती है, उसको मैं लिख देता हूं कहीं साइड में, कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस, जिसको हिंदी में पाइथागोरसी कहा जाता है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं जो आपके सामने चीजें लिख रहा हूं, है ना, नोट्स ये जो सारे हैं, ये सारे नोट्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे किसके, टेलीग्राम चैनल पर, माइंड फॉर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा मैथ्स बाय जयसर है उस पर मिल जाएंगे, दोनों पे आपको नोट्स सारे मिलते जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, मैंने सबसे पहले आपको कहां इंट्रोड्यूस किया, डिग्री और रेडियन इंट्रोड्यूस किया, डिग्री रेडियन कन्वर्जन बताया, डिग्री रेडियन कन्वर्जन के बाद सीधा में आया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले, वो तरीका आपको याद है तो अच्छी बात है, या फिर दूसरा तरीका इसका और भी होता है, वो कौन सा वाला, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का, KKA, है ना। तो ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस का होता है, और ये काई का होता है, टेन का होता है, वैसे ही साइन कॉस और टेन के लिए ये भी होता है ना। तो ये बचपन में आपने याद करने के तरीके, ये आप याद कर लेंगे तो आपको ये काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, जैसे मान लो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे लिखे हुए हैं, यदि आप बात करोगे तो साइन के लिए लिखा हुआ है, साइन का नाम जो होता है साइन ई लिखा होता है, टेंजेंट होता है, कोसेंट कोसकेंट होता है, उसके अलावा कॉन्टेजेंट होता है, सिकेंट होता है, और कोसाइन होता है ना।
तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं, नाम जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम इनके तीन ही वर्ड यूज करते हैं, तीन वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करते, तीन वर्ड में हमको समझ में आ जाता है किसकी बात हो रही है ना। बिल्कुल, क्लास कितने आवर्स की है बेटा? क्लास जब तक आप पढ़ सकते हो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब तक आप पढ़ पाओगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई, अभी तो बेसिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी तक इसका यूज करना नहीं बताया। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है, वो यहां समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर 0.7 दिया है, मैंने आपको टाइम दिया 2 मिनट का, आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया आएगा कि ये पेपर में यदि क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार क्लास शेयर कर दो बेटा, बाकी लोग भी क्लास देख पाए। ये जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोगों के लिए रेगुलर चलने वाली है, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा लंबी चलने वाली क्लास है। इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़वाऊंगा, अभी जैसे आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक लिया है, धीरे धीरे मैं बेसिक अर्थमेटिक के भी टॉपिक लूंगा, अरे आपका रेशियो और प्रोपोर्शन जो आता है वो पढ़ाऊंगा। एज आपकी बार मजे लेके गया आपका प्री में, हर बार ऐसा नहीं होगा, एज के क्वेश्चन उसमें आ गए 10-15 पर ऐसे आते नहीं है जनरली, कहीं गड़बड़ी के कारण आ गए होंगे, लेकिन आगे जाके ये सब कुछ सुधर जाएगा और मेंस जो रहेगा वो मेंस के लेवल का ही होगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नंदिनी शर्मा ने प्री आंसर बताया है, बाकी किसी और आंसर आया होगा बताइए। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर 0.7 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा 0.7 है, जैसे ही मैं इसमें से पॉइंट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा पॉइंट, तो ये 7/10 कितना हो जाएगा, 10, मतलब साइन थीटा बराबर 7/10, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस कितना है, 10 है, तो बेस निकाल सकते हैं। बेस बराबर क्या होगा, बेस बराबर रूट ओवर 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 51, कितना हो जाएगा, रूट ओवर 51। अब इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा गया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू कितनी है, रूट 51, तो रूट 51 अपॉन हाइपोटेनस बराबर कितना होगा 10। इस 10 को अंदर पहुंचाना है तो 10 क्या बन जाएगा, 100, मतलब रूट 51/ कितना हो जाएगा 100, और 51 में 100 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.51, और उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, रूट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया, जो क्वेश्चन हमने जो पढ़ा हमने उसका एप्लीकेशन हो गया, उसका यूज हो गया, उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये टेन थीटा के लिए भी होता है, ये जितनी भी आइडेंटिटी है वहां पे मैं स्टार लगा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा, आप चाहो तो कर सकते हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये पलट जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गुणित हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये कट जाएगा तो दोनों आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, इसीलिए हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये क्या है, राइट है। टेन थीटा की जगह पर हम कहीं भी वैल्यू यूज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा की जगह हम वैल्यू यूज कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे इसमें लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार, ठीक है, ये रहे, ये तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब इससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वापस से आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लोग देख चुके हैं साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी रेशो होते हैं सारे। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा एक एक चीजों को, है ना, यहां से आपको क्लेरिफाई होगी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज, की वैल्यूज कहां से आती है। देखो रटवाने को मैं रटवा सकता हूं कि पहले 1 2 3 4 5 लिखो, 0 1 2 3 4 5, फिर सबके बटे में 4 लिख दो, फिर उनका रूट लगा दो, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, क्यों भैया ऐसे ही क्या, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सच में आती कहां से। एक मिनट में देख लू,
ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये नोट्स में आपको मिलेगा, वहां और अच्छे से आप देख पाओगे। यहां मैं आपको समझा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस तरीके से आती है। ये यूनिट, एक यूनिट का यदि आप सर्कल बनाते हैं, है ना, ये जो गणित के टीचर बनने जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि एक यूनिट का सर्कल बना रहे, कितने यूनिट का, एक यूनिट का, तो इस सर्कल को जिस तरीके से आप ऊपर लेके जाओगे तो वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएगा वो, जैसे 30 डिग्री पे यदि आप पहुंचे, कितने डिग्री पे पहुंचे, 30 डिग्री पे, तो ये जो लंबाई होगी ये लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी, रूट 3/2 या 1/2, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ये किसने डिसाइड किया, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये प्रैक्टिकली डिसाइड हुआ, ये प्रैक्टिकली डिसाइड हुआ कि यदि आप यूनिट डिजिट वाले एक सर्कल में, यूनिट डिजिट वाले एक सर्कल में, एक यूनिट डिजिट का, एक यूनिट का यदि सर्कल है, इस सर्कल में 30 डिग्री का कोण बनाओ, कितने डिग्री का कोण बनाओ, 30 डिग्री का, तो यहां से यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसकी जो वैल्यू रहेगी 1/2 रहेगी, जो कि साइन थीटा की होने वाली, क्योंकि साइन थीटा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइन थीटा इधर होता है और इस तरफ कौन होता है, कॉस थीटा होता है, कौन होता है, कॉस थीटा, तो पूरा तो एक है लेकिन यहां तक कितना है, तो ये रूट 3/2 कितना होगा, 2 होगा। ये किसने डिसाइड किया, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये स्केल से नाप लेना, है ना, एक स्केल लेना, एक यूनिट का सर्कल लेना और नाप के देखना, एक मीटर का ले लेना तो ये रूट 3/2 मीटर आ जाएगा, ये 1/2 मीटर आ जाएगा, एक सेंटीमीटर ले लेना ये रूट 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसे जबरदस्ती रटवा नहीं रहा, मैं चीजों को समझा रहा हूं कि आई कहां से, है ना, ये मन मुताबिक नहीं आती कि साइन की वैल्यू हो 45 डिग्री पे 1/√2 आ गई, नहीं आई, 1/√2 हमने निकाली है। मतलब यदि कोण इस तरीके से एक सर्कल बनाया जाए और उस सर्कल पर ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाया जाए, कितने डिग्री का, 45, और जब आप यहां से डालोगे तो ये जो लंबाई है ये 1/√2 होगी और ये लंबाई भी 1/√2 होगी। ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये प्रैक्टिकली है ना, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली वैल्यू है। अब मैं निकालना सिखाऊंगा, मैं रटन विद्या भी सिखाऊंगा कि आता कैसे, आप रट कैसे सकते हो, पेपर में कैसे याद कर सकते हो, पर रियल में कहां से आती है, यहां से आती है कि यदि ये 1 मीटर का सर्कल है, 1 मीटर का, तो ये 1/√2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1/√2 सेंटीमीटर होगा। मतलब यदि आप इस हाइट पर पहुंच गए तो इसकी और इस लंबाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताते हैं। जैसे मैंने एक पाइप ले लिया और उस पाइप को मैं ऐसे खड़े करते जा रहा हूं, खड़े करते जा रहा हूं, तो उस वाली हाइट और इस वाली हाइट में क्या संबंध होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बताते हैं। अब आपको सूझ पड़ रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। हाँ, इसका और इजी वे हो सकता है, बिल्कुल इजी वे, अब अगले पे आ रहा हूं मैं सीधे सी बात, है ना, और इजी वे हाउ टू रिमेंबर वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे रिमेंबर की जा सकती है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पर मुझे वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, है ना। तो साइन थीटा यहां पर 0 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, यहां पर 3 ले लिया, यहां पर 4 ले लिया। अब आप बोलोगे सर क्यों ले लिया, वैल्यूज याद रखने का तरीका है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड बेटा, रियल में कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी नहीं है, बहुत कठिन है, तो सच बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, आप इसको कैसे याद करोगे वो तरीका मैं बता रहा हूं, इसको याद करने का तरीका क्या है, आसान सा तरीका, मैं पूरी की पूरी टेबल आपको बिना उसके बनाऊंगा, उसकी मुझे जरूरत थोड़ी ना है, वो तो मुझे बताना था कि पैदा कहां से हुए, अब मैं बताऊंगा रटना कहां से, चीजें आई कहां से वो बताई। यदि आपको इतना डीप नॉलेज नहीं जाना, जैसे मान लो आप किसी इंटरव्यू में बैठे और उसने बोल दिया कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वाई, आप बोलोगे सर ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, इसके बटे में 4 लिखते हैं, फिर भाग देते हैं, भगा देगा वो, है ना, ये बच्चों को रटने का तरीका है। उसका 1/2 रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि सर इनका जो रेशो होता है ना वो इस तरीके से होता है कि ये 1/√2 वैल्यू आती है जब 45 डिग्री होता है और ये भी 1/√2 वैल्यू आती है, इसलिए ये साइन की वैल्यू 1/√2 है। इसलिए नहीं है कि ये यहां से निकाला, यहां पर मैंने 4 का भाग दिया, यहां पर मैंने 4 का भाग दिया, यहां पर मैंने 4 का भाग दिया, यहां पे 4 का भाग दिया है, 4 से भाग दिया और उसके बाद क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो ये तरीका एक याद किया जाता है कि इस तरीके से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आएगी √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 0। ये साइन थीटा की वैल्यू है जो बच्चा बेसिक तरीके से याद करता है।
वो बच्चा बेसिक तरीके से याद करता है कैसे कि 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1 ये साइन की वैल्यू होती है। और अगर जो ये वैल्यू याद हो गई तो आपको रिवर्स ऑर्डर में भी याद हो जाएगी, सारी वैल्यू हर तरीके से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या जो बात मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रही है? मैं थोड़ा डीप ले जाने की सोच रहा हूँ, आपको हवा हवा में चलना था, हवा हवा में ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस उसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 और 0। अब बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि ये लिख तो देते हैं है ना, विद 0 1 2 3 4 फ्रेंड डिवाइडेड बाय 4 एंड टेक अ रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अरे एग्री, ये है ना, ये तरीका है, लेकिन रियल जो हकीकत थी वो समझानी चाहिए मैंने। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगता है बता तो दिया मैंने, मेरे पास सारे औजार है। ये जो है ये रियल है, ये मतलब समझ रहे हो, ये मेन जो जड़ है वो यहां से शुरुआत होती है, फिर ये रटन विद्या है, ठीक है। तो यहां पर कॉस थीटा 1 रूट 3 बाय 2। अब देखो मैं ये भी बता देता हूं कि साइन का उल्टा कॉस क्यों होता है ना, साइन का उल्टा कॉस क्यों होता है, ये हम लोग समझते हैं एक नया पेज खोलकर यहां पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साइन का उल्टा कॉस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हम साइन का उल्टा कॉस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि साइन का उल्टा कॉस क्यों होता है सर। तो यदि हम लोग बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, ये ए है और ये क्या है बी है, क्यों सर, ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, नहीं परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है ना, एंगल कौन सा ले रहे हैं उस समय परपेंडिकुलर होगा, हम एंगल दूसरा ले लेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हमको ये मालूम है ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल हमको नहीं मालूम, ये दोनों एंगल कौन से, मान लेते हैं एंगल एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, क्यों 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का मिला के 180 डिग्री, तीनों का मिला के 180 डिग्री होता है, ये 90 हो गया तो ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो ये हो गया हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है कर्ण, ये एक भुजा और ये एक भुजा, यदि मैं इसके लिए एंगल लिखूं, किस एंगल के लिए, इसके लिए लिखूं कि साइन एक्स की बात कर रहा हूं, काई की बात कर रहा हूं साइन एक्स, और इस साइन एक्स के लिए मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं, यही वाला है ना, जो मैं बातें समझाता हूं ना बहुत डीप ले जाने की कोशिश करता हूं, उसका रीजन है कि आप लोग टीचर बन रहे हो, और मैं सच में चाहता हूं कि टीचर इतना दमदार होना चाहिए कि यार आगे सामने आके खड़ा हो गया ना तो हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद खत्म है ना, जैसे गणित पढ़ा रहा है भैया ट्रिग्नोमेट्री, हाँ आनी चाहिए बात खत्म, कहीं भी कितना भी डीप लेवल पे जाओ हमको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा रिवर्स लिखा जाता है कि ये जो है ये एक्स, इसके लिए मैं लिख रहा हूं साइन, और इसके लिए जो सामने वाला है ये क्या है, ये है लंब और ये क्या है आधा, क्योंकि काई के लिए लिख रहा हूं साइन के लिए, काई के लिए लिख रहा हूं साइन के लिए, और साइन के लिए लिख रहा हूं तो लंब और आधार, लंब की वैल्यू ए है और आधार की वैल्यू क्या है, लंब और आधार ये क्या है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू क्या है एच है, क्योंकि ये ए है और इसका नाम मैंने क्या दे रखा है एच। और वहीं पर मैं अगर जो मान लो इसी एंगल की जगह इस एंगल की बात करूं 90 माइनस थीटा, और इसका नाम ये ए है, ये बी है और ये क्या है एच, तो इस 90 माइनस के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, तो यहां पर मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों चीज अलग अलग लिख रहा है ना, एक चीज में थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा, बस इसलिए ताकि मैं जब टेबल बनाऊ ना तो आपके दिमाग में एक एक चीज सेट रहेगी, आई कहां से, ऐसा जबरदस्ती लिखना नहीं चाहता मैं। तो साइन एक्स बराबर ए बाय एच कहां से, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, ये वाला आधार, क्यों ये वाला आधार, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे और ये लंब, अब कलर दूसरा ले लेता हूं, ये वाला लंब, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे और ये क्या है आधार, दोनों के लिए अलग अलग हो। तो जब कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये भी ए बाय एच आएगा और ये भी एच आएगा, ए बाय एच आएगा, उस केस में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस एक्स है ना, थीटा ना मानते हुए इसको क्या बोलेंगे एक्स 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों जो एंगल है इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि जितना एंगल ये रहेगा ना वो 90 से उतना कम रहेगा, जितना एंगल ये रहेगा वो 90 से उतना कम रहेगा। अब हम यहां पे आके समझने की कोशिश करते हैं, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, मतलब यदि ये 0 पे है तो इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, 90 वाली, उठा के देख लो 90 वाली वैल्यू, जब ये 30 पे है तो इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, ये 30 डिग्री पे है
तो इसकी कौन सी वैल्यू होगी, 60 डिग्री वैल्यू होगी। देख लो 60 डिग्री वैल्यू, ये रही 60 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री पे है तो ये भी कितने डिग्री वाली वैल्यू होगी, 45 डिग्री वैल्यू होगी, क्योंकि 45 45। यदि ये 60 डिग्री पे है तो इस पे काई की वैल्यू होगी 30 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल होना क्या चाहिए 90, तो ये 1/2, तो ये भी क्या होगी 1/2। और यदि ये 0 है, ये 90 पे पहुंच चुका है, तो ये कितने डिग्री पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन होता है, जस्ट अपोजिट दोनों का रेशियो चलता है। तो यहां से मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, और यहां पर सारी वैल्यूज जो लिखी हुई है, इन वैल्यूज को मैं एक बार लिख के बताता हूं। देखो यहां तो लिखी हुई मैंने, अब ये डायग्राम आपको क्यों दिखा दिया कि ये आपको नोट्स में मिल रहा है, चिंता मत करो, ये पूरा एज इट इज नोट्स में मिल रहा है, ये पूरा का पूरा नोट्स में मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो नोट्स में मिल रहा है, लेकिन वैल्यूज कैसे लिखेंगे, तो वैल्यूज में लिखना है, एक बार आपको बोर्ड पे बता दे रहा हूं कि सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लिखी जाती है, काई की वैल्यू लिखी जाती है साइन थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री। अभी वैल्यू निकाली थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना 1। यदि आप इतना याद रख सकते हो कि 1 2 0, 1 2 3 4 5 लिखना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर रूट निकालना है, आई थिंक यही याद कर, है ना, इतना और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक लाइन याद हो गई, सब काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा, क्योंकि कॉस इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और क्या हो जाएगा 0। वैसे ही कॉस से आगे हम बढ़ते हैं टेन पे, तो टेन थीटा मैंने पढ़ाया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर यहां पर मैं लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दो, 0 में 1 का भाग दोगे 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे 1/√3 आएगा, 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे 1 आएगा, ये √3 आएगा और ये नॉट डिफाइंड आएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वैसे ही यहां पर साइन कॉस 10 आ गया, वैसे ही यहां पर उल्टा लिखते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, है ना। ये चीजें भी मैं यहां लिख देता हूं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ताकि आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाए। कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/ क्या, कॉस थीटा, और आखिरी कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, जस्ट उल्टी होती। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 का उल्टा क्या है, 0 का उल्टा करना है 1/0, मतलब ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 आ जाएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। यदि cos का उल्टा हमको चाहिए तो sec हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sec, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का उल्टा 1 ही आएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। लास्ट आता है tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot थीटा 0 है, 0 का उल्टा 1/0, है ना, उल्टा कर दो 1 के बटे में पहुंचा दो तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और लास्ट वाला नॉट डिफाइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये 1/0 था 0/1 क्या होता है 0। तो ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए ए टू जेड, एक तो उससे आ जाएगी और एक इससे आ जाएगी, इससे सारी वैल्यू निकल सकती है। इन वैल्यूज का काम बहुत आता है, कभी कभी इनपे बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जो है हम लोग, हाँ अब जो है हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि क्यू एक न्यून कोण है तो साइन क्यू प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2 हो तो वृत्ताकार माप में क्यू का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर डबल चीजें इंक्लूड कर दी, क्यू प्लस क्या लिखा है, साइन क्यू प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2। तो देखो एक तो रेडियन भी पूछा और एक 1/2 इसकी वैल्यू भी दे दी, तो आपको साइन की वैल्यू भी 1/2 कब होती है वो पता होना चाहिए, और दूसरा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। दोनों चीजें इसमें मिक्स हो गई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, साइन क्यू प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2, तो आपको वृत्ताकार माप में क्यू का मान क्या होगा, मतलब रेडियन में क्यू का मान क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। अच्छा दूसरे नंबर का ऑप्शन किरण अहिर,
वेरी गुड। अगला इसी का बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। दूसरे नंबर का ऑप्शन देखो, साइन 1/2, 1/2 वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पे, तो साइन क्यू प्लस 18 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब क्यू प्लस 18 बराबर 30 डिग्री, मतलब क्यू बराबर 30 माइनस 18 मतलब कितना डिग्री आ जाएगा 12 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 12 डिग्री। अब 12 डिग्री को हमको काई में कन्वर्ट करना है, 12 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो Q 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय कितना आ जाएगा 180, 12 से भाग दिया तो 12 के 12 12 पंच 60 मतलब पाई बाय 15, ये रेडियन में आएगा जो कि करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पाई बाय 15 रेडियन, है ना। क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उन्हीं बच्चों से बन पाएगा जो बेसिक से एक एक चीजें देखते हुए आ रहे हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। पहला मैंने 1 या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताया पहला, दूसरा आपको बताया कि ये जो है ये हाइपोटेनस होता है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। उसके अलावा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू बताई, वैल्यूज को निकालने का तरीका बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की, तो ये बेसिक इतना कठिन नहीं है, आपको याद रह सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 tan theta बराबर 4, आपको बताना है 5 sin theta माइनस 3 cos theta डिवाइडेड बाय 5 sin theta माइनस 2 cos theta, बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं एक एक चीजें रिवाइज करते रहूंगा बार बार आपको, उसका रीजन ये है बस, आपको जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेगी, उतना ज्यादा आपको काम आएगी, ठीक है। माइंड फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपको वहां पर मिल जाएगी। माइंड फॉर एप्लीकेशन पे MPTET के बाकी सारे कोर्सेस अवेलेबल है ना, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। माइंड फॉर एप्लीकेशन के कोर्सेज जो रहते हैं उनमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे हर चैप्टर वाइज, उसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर चैप्टर की स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन आएगा। अब देखो, यदि ये वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा में चल रही है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को कंप्लीट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता हूं, एक छोटा सा, कैसे घुमा सकता हूं, यहां पे टेन थीटा और जोड़ दो, उस केस में मुझे पूरा विश्वास है 90% बच्चे गलत कर दे जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसको सिर्फ इतना कन्वर्ट किया होगा कि टेन थीटा बराबर 4/5 और टेन थीटा को लिख लिया, क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4/5, साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू क्या 5, साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू क्या 5। बेटा ये तब होगा जब यहां पे हाइपोटेनस कॉमन हो, और अभी फिलहाल किस्मत अच्छी है कि हाइपोटेनस कॉमन है, क्योंकि ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोला जाए तो लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, तो कर्ण 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 सब जगह नीचे आ गया, तो कर्ण कट जाएगा, तो कर्ण का लोड नहीं है। लेकिन यही पर अगर जो प्लस टेन थीटा दिया होता, जो मैं बात बोल रहा हूं मैं 3 feet ऊपर की बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना कि यदि यहां पर, क्योंकि जिसको आंसर एक ऐसे टिक करवाना है वो तो सीधा टिक करवा देगा कि साइन की वैल्यू 4 रख दो 5 × 4 माइनस 3 × कॉस की वैल्यू 5 रख दो डिवाइडेड बाय 5 × साइन की वैल्यू 4 रख दो माइनस 2 × कॉस की वैल्यू 5 रख दो, ये आ गया 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस, अच्छा प्लस है नीचे, तो प्लस कितना हो गया 10, मतलब 5/ कितना 30, 1/ कितना 6, वेरी गुड करेक्ट, आंसर भी सही है। लेकिन बात क्या है कि सब जगह हाइपोटेनस कॉमन है, सब जगह हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है। यदि इसी क्वेश्चन में यहां पर एक वर्ड जुड़ा होता, क्या वर्ड जुड़ा होता, प्लस 10 थीटा, तो मजे ही आ जाते,
फिर क्वेश्चन में मजे आते, फिर समझ में आता कि कौन बच्चा इसको, फिर टेन थीटा बराबर कोई बच्चा चार बटे क्या रख देता, पांच, साइन थीटा बराबर चार, कॉस थीटा बराबर पांच, तब आपको उसमें निकालना पड़ता, इसको परपेंडिकुलर मानते, इसको बेस मानते, और आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को मान के फिर हाइपोटेनस निकालना पड़ता, तब साइन की जगह पी बाय बी रखना पड़ता, कॉस की जगह पी बाय एच रखना पड़ता, वहां बी बाय एच रखना पड़ता, यहाँ पी बाय, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता पूरा का पूरा। तो जो मैं बात बोल रहा हूं क्या वो समझ में आई? बिल्कुल, कुछ बच्चों को वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं आई होगी कोई बात नहीं, ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई पे तो समझ में आएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सब में से हाइपोटेनस कॉमन होके कट हो गया। यदि यहां पर टेन थीटा होता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता, उस केस में कॉमन नहीं निकलता और सॉल्व नहीं हो पाता, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, आगे कॉस कॉमन करके भी कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन टेन थीटा होता तो ऐसा नहीं कर पाते आप। आगे बढ़े, यदि टेन थीटा बराबर थ्री बाय फोर है तो थीटा का न्यून कोण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर तीन बटे चार है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल है। एक बार क्लास शेयर कर दू, है ना, ये क्लास जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई चार्जेस नहीं है। पानी की बोतल कहाँ गई? ओके, चलिए सॉल्व करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर तीन बटे चार, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहां से हाइपोटेनस निकाल लो, परपेंडिकुलर दे रखा है तीन, बेस दे रखा है चार, हाइपोटेनस बराबर आप जानते हैं रूट ओवर चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर पच्चीस, पच्चीस का रूट कितना होता है पांच, ये आ गया पांच। अब कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा क्या होता है? तो ये हो जाएगा एच बाय पी, और हाइपोटेनस कितना है पांच, परपेंडिकुलर कितना है तो परपेंडिकुलर है तीन, तो आंसर हो जाएगा फाइव बाय थ्री। ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, फाइव बाय थ्री करेक्ट आंसर, वेरी गुड, फाइव बाय थ्री सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल ये रहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर पांच बटे, तो आपको बताना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अच्छा, माइनस वन ही दे रखा है दोनों, यहाँ पे प्लस वन कर लो, क्योंकि माइनस वन तो आपस में कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, एक ऑप्शन में दिया नहीं। ठीक है, तो भावनाओं को सब जो क्वेश्चन बनाने वाले की और प्लस लिख लो। ठीक है, ओके, कैसा लग रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसी तरीके से, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन टेन थीटा में लेके आना है, ताकि परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू निकल पाए और वहां पे आप रख पाओ। मुझे लगता है कि टेन थीटा में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, आप टेन थीटा में इसको कन्वर्ट करिए और सॉल्व करिए। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए बेटा, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाए, ये जो क्लास है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। फोर्थ ऑप्शन 40/41, सबसे पहले किरण अहिर ने आंसर दिया, मुझे लगता है आपकी बार किरण सिलेक्शन लेके मानेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। मेघा शर्मा फोर्थ, ठीक है, ईशान सिंह सेकंड, चलिए सॉल्व किया जाए। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में फोर साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा बराबर फाइव साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर आगे सॉल्व करेंगे तो देखो फाइव साइन थीटा और फोर साइन थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, और ये इधर आएगा फाइव साइन थीटा और फोर कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा नाइन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा नीचे आएगा बटे में, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो गया नाइन, ये वैल्यू आ गई टेन थीटा की।
बस 9 वैल्यूज के अंदर रखना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रश्न में यदि आप पढ़ोगे तो प्रश्न में लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। टेन स्क्वायर थीटा मतलब 9 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा 81 माइनस एक और एक हो जाएगा 81 प्लस एक, ये हो जाएगा 80 बटे 82, दो से काटेंगे तो 40 बटे कितना 41। याद रखना हमेशा ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, है ना। यहां पर मैं चाहूं तो दोनों में से साइन कॉमन निकाल लूं या कॉस कॉमन निकाल लूं तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें कोई जादू नहीं है ना। बात ये सॉल्व करने की मेथड है, बहुत सारी मेथड है जिनके थ्रू क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व किया जा सकता है। ये भी एक मेथड है कि आप साइन उसमें से कॉस कॉमन लेके सॉल्व कर लो। हम हर तरीके की मेथड को डील करेंगे और जब भी मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर को आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। मतलब ऐसे नहीं किताब उठा के दे दी आपको, जैसा पढ़ाया उसी टाइप का क्वेश्चन दिया ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। जैसे मैंने डिग्री से रेडियन कन्वर्जन बताया तो मैं उसके 20 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप समझ पाओ, है ना। वो सारी चीजें जो है वो आपको सारी चीजें मिलेगी एक एक करके, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे सारी चीजें आपको मिलती जाएगी, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला। तो अगला आता है पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। पाइथागोरस पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, और यदि नहीं पढ़ी तो आज पढ़ाई इसलिए रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो यहां से पहले पाइथागोरस देखते हैं। पाइथागोरस ये बोलती है कि इसको कर्ण बोलूंगा मैं, इसको मैं लंब बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा आधार। क्यों बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने नाम रखे और ये जो एंगल है इसका नाम क्या है थीटा। ये एंगल है कि यदि ये एंगल थीटा है और 90 डिग्री है तो जिसपे थीटा टिका होता है, जिसपे आप टिके हो, आप समझते हो आपका आधार क्या है ना। आप बिल्कुल देख सकते हो, देख नहीं पाओगे आपका आधार, लेकिन आपका आधार अभी टिका हुआ होगा जमीन पे, जिस पे आप टिके हो उसे आधार बोला जाएगा। जो खड़े हुए हैं वो क्या है लंबे, और ये जो है इन दोनों को मिलाने वाला ये क्या है कर्ण, ठीक है जी सर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिएगा, बिल्कुल आप एक बार जुड़िए तो सही माइंडपुर से, है ना। माइंडपुर इसीलिए बना हुआ है कि सभी बच्चों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, है ना। जितनी हो सकती है उतनी मदद हम करने की कोशिश करेंगे, हमारी सिर्फ एक डिमांड है पढ़ो अच्छे से यार, है ना। पढ़ने के लिए आए हो तो अच्छे से पढ़ो, दम से पढ़ो। यदि एमपीटेट आपका प्री क्वालिफाई हो गया तो अगले 4 महीने तक आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, है ना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और सच में मेहनत का विकल्प नहीं होना चाहिए। आज देखो आज संडे है ना, मैं मैच का इतना बड़ा पंखा हूँ, पंखा मतलब समझते हो ना, भयंकर फैन हूँ, मैच कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, बात खत्म। मैंने अभी तक देखा भी नहीं मैच की तरफ क्या हो रहा है, जबकि आप जानते हो आज फाइनल है ना, बिल्कुल मन नहीं लगने वाली चीज है। लेकिन ऐसा है कि भैया मैं कल रिकॉर्डेड देख लूंगा, मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, रिकॉर्डेड देखूंगा और लास्ट में जाके मैं समझूंगा कि मैच में हुआ क्या। लेकिन आज बच्चों को पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है। तो यदि मेरा इतना इनपुट है तो प्लीज आप लोग भी इस बात को ध्यान दें, है ना। हाँ मतलब कहाँ कमी रहेगी आपको ये कन्फर्म है ना कि ये गणित है। जैसे मैं पेपर देने जाता हूँ मैथ्स का तो मैं ऐसे जाता हूँ कि भैया हाँ बताओ कहाँ से कर देंगे सब, कोई दिक्कत नहीं आता है। वैसी होनी चाहिए कि यदि आप वर्ग दो का पेपर देने जा रहे हो, शुरुआत ही जैसे ही मैंने लेक्चर शुरुआत किया था एक बच्चा यही बोलता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं आया प्री में। अरे भाई मान लिया, कब बोला था आपको कि आयु के क्वेश्चन आएंगे 10, आ गए ना, आए या नहीं आए। तो वैसे ही आप लोग पूरा एनर्जी बनाए रखो अपने अंदर, मतलब बाकी दुनियादारी को ऐसे बिल्कुल अभी काट के रखो कि यार बस इस 4 महीने बाद सोचो कितना डिफरेंस आएगा। एक गवर्नमेंट जॉब आपको इतनी रेपुटेशन दिला के जाएगी, इतनी रेपुटेशन दिला के जाएगी कि आप जीवन में जो सपने सोचते ना वो सपने एक बार में पूरे। आप नहीं विश्वास हो 10 मिनट के लिए, और उन सब चीजों के लिए इंसान है ना, उनको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं अभी लाइनें बोल रहा हूँ, ये लाइनें आपको बहुत चुभ रही होगी, बहुत सारी लग रही होगी, हाँ यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है फटाफट पढ़ना है। फिर 15 मिनट बाद कोई आएगा, हाँ चल चाय पी के आते हैं, हो गया बराबर। इंसान है ना, इमोशंस वाले। तो फिर क्या करें सर, मोटिवेशन रखो। मैं दिल्ली रह के आया था, जब दिल्ली गया था तो वहां पे आईएएस की तैयारी करने के लिए गया था मैं भी, तो वहां पे मैंने जो चीजें देखी थी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ना रियली। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा डिस्कस करता हूँ ऐसी चीजें, वहां जुड़ाव थोड़ा अलग होता है ना, यहाँ जुड़ाव मेरा स्क्रीन से ज्यादा है, तो स्क्रीन पे मैं इमोशंस नहीं देख पाता आपके अंदर क्या हो रहा है, वहां पे इमोशंस दिख जाते हैं। तो जब मैं वहां गया था तैयारी करने के लिए, तो वहां पर मतलब माहौल ऐसा कुछ था कि रियल में लगा कि हाँ यार यहाँ पे रह के यदि कोई बंदा कोई नहीं पढ़ाया भी जाए ना तो पढ़ सकता है। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आपको अभी ले जाके इंटरव्यू के
वहां जहां इंटरव्यू होना है वहां जाके खड़ा कर दो, या जिस एग्जाम हॉल में क्लास में जहां एग्जाम होनी वहां जाके खड़ा कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन ले जाकर खड़ा कर दो, पसीना निकलने लगे। क्यों? क्योंकि अंदर है, यहां पे अंदर इमोशंस है, इस तरफ होते सॉरी इमोशंस होते हैं। तो वो इमोशंस को हम कैसे हमारे अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं? ये हम ढाल सकते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग कंडीशंस बना के। हम किस चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं, हम किस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चीजें अपने पास रखो। जैसे अभी आपको 3 महीने में रिजल्ट की जरूरत है ना, तो ऐसे बंदे को साथ रखो कि जिसके बोलने पर आप तुरंत किताब उठा के बैठ जाते हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे कोई भी। क्योंकि 3 महीने बाद जो रिजल्ट मिलना है ना, वो इसी दम पे मिलना है। आपके इमोशंस जितने ज्यादा हाई हो, जितना ज्यादा आप पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि ऐसे किसी बंदे के साथ रह गए जो आपको 3 महीने ये बोलते रहे हारे निकाल लेंगे हो जाएगा, अरे पढ़ लेंगे, क्यों चिंता कर रहा है, चिंता ही हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग जैसे हम वहां रहते थे ना, तो हम ऐसे मम्मी का फोटो ऐसे लगा के रखते थे, क्योंकि भैया मेरे को तो बहुत ज्यादा प्यार है ना, उन्होंने बोल दिया तो भैया बाकी सब चीजें बाद में, पहले यही होगा इमोशन से। तो जैसे मान लो बोल देते ना, अभी मान लो उन्होंने बोल दिया कि टेंशन मत ले मैं हूं, बस मेरी जितनी टेंशन खत्म, तो वैसी चीजें होनी चाहिए आपकी लाइफ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ी सी चीजें आपके लिए इसलिए शेयर की कि आप इंसान हो तो कम से कम अपने इमोशंस को किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये जरूरी है। और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा, फिलहाल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि यदि कर्ण, लंब और आधार 3 चीजें हैं, ये एंगल है, कौन सा है, थीटा है। तो यहां पर हम बेसिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। ये बेसिक आइडेंटिटी है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सारी चीजें होती है। यदि मैं दोनों तरफ बराबर का मतलब ये होता है दोनों तरफ बराबर है, यदि दोनों तरफ में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दूं, है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख दूंगा चिंता मत करो, कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दूं, मतलब यहां परपेंडिकुलर से भाग दे दूं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये कौन सा है इसको, सॉरी ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है ना। तो इनके स्क्वायर से यदि भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी को बेसिक आइडेंटिटी बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ये सबसे बेसिक पहली आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि यदि आप देखोगे ना तो ये सर्कल भगवान है ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल में एक एक चीजें हैं। यदि आप इस सर्कल को यहां लेके आओगे, है ना, थोड़ा सा मैं सिर्फ एक आध मिनट का समय लूंगा, जिस बच्चे को कठिन लग रहा है मत देखना, आंखें बंद कर लेना एक मिनट के लिए। यदि इसको मैं साइन थीटा बोलता हूं और इसको कॉस थीटा बोलता हूं, तो यहां पर जो वैल्यूज होगी इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर हमेशा 1 आएगा। चाहो तो करके देख लो, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के देखो 1 आएगा, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के देखो 1 आएगा, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के देखो 1 हमेशा 1 आएगा। ये जो सर्कल है ये सारी चीजें डिपिक्ट करता है, एक एक चीजें, कि यदि यूनिट का सर्कल है तो यूनिट के सर्कल के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो पहली बेसिक आइडेंटिटी जो होती है वह होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 उधर लेके जाएंगे तो cos square theta बराबर 1 minus sin square theta हो जाएगा, और sin square theta बराबर 1 minus cos square theta हो जाएगा। ये दो identity इससे convert हो सकती है। और जैसे ये sin square theta और cos square theta की होती है, यदि मैं इसमें sin square का भाग दे दूं, काई का भाग दे दूं, sin square का भाग, मतलब first वाली identity में sin square theta का भाग दे दूं, क्यों, क्योंकि भैया बराबर है, इधर और उधर दोनों तरफ भाग देना चाहो तो दे सकते हो। यदि दोनों तरफ भाग दे दूं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया बात, तो वही है बराबर है। तो साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन से साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी है दूसरे नंबर की, कौन से नंबर की, दूसरे नंबर।
ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, लेकिन क्वेश्चन इसी पे आएगा, ठीक है। साइंस कौन पढ़ा रहा है बेटा? 10 से 11, 11 से 12 साइंस की क्लास होती है, और साइंस की क्लास का डेमो आप उसमें देख सकते हैं। मैम जो पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं। सबसे मेन बात यह है कि वो पीएससी मेंस को पढ़ाते हैं, वर्ग एक को पढ़ाते हैं, तो साइंस का नॉलेज उनका बहुत तगड़ा है ना। और आपको भी तगड़े टीचर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम उनको लेके आए हैं। तो एक बार आप जरूर देखें मैम की क्लास, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैम पढ़ा रही है, क्या क्या मैम पढ़ा रही है, किस किस तरीके से आप उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से डेमो देखिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर यदि आपको लगता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उस पर स्विच होइए, है ना। डेमो आपके लिए लगातार रेगुलर चलता रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके पास समय कम है, तो आई थिंक आपको जजमेंट पे ना जाना चाहिए, नॉलेज पे जाना चाहिए, है ना। आप नॉलेज में आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से वो है, आराम से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 cot² θ = cosec² θ, इसकी दो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? तो इसकी दो आइडेंटिटी भी अगले पेज पे मैंने कन्वर्ट करके लिख रखी है, वहां से आप लोग पूरा देख सकते हैं। बस तीसरी आइडेंटिटी और बता देता हूं कि इसी साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, बराबर 1 को भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, तो ये तो कट जाएगा, ये 10 में बदल जाएगा, तो 1 tan² θ बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं ये डायरेक्टली तीनों लिख सकता था, लेकिन मैंने तीनों आती कहां से ये निकाल के बताया। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बेसिक आइडेंटिटी है, इससे 3 बन सकती है। 1 cot² θ बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये भी 3 बन सकती है। और 1 tan² θ बराबर sec स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका, साइन को साथ में होते हैं, टेन और sec साथ में होते हैं, और cat cosec साथ में होते हैं ना, cot cosec साथ में होते हैं, टेन cot के साथ नहीं होता, तो tan किसके साथ होता है? sec के साथ होता है, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है सारी, यहां से आप सारी आइडेंटिटी, ये आपको एज इट इज मिलने वाली है, काय में मिलने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा माइंडफुल एकेडमी का, उसके अलावा मैथ्स बाय जयसर, दोनों चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पे आपको ये पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, 7 sin² θ प्लस 3 cos² θ बराबर 4, तो आपसे पूछा गया थीटा का मान क्या होगा, क्यू मतलब क्या है थीटा, थीटा का मान क्या होगा, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि चढ़ जाए जैसे तैसे। अच्छा सर, मेरा नाम भी बोल दिया करो, सचिन कलमोदिया। आप सचिन कलमोदिया नाम था या उनका क्या था यार, मुझे ध्यान नहीं है, जो नवोदय पढ़ाते हैं वही है क्या? सर मैं भी आंसर दे रहा हूं, बिल्कुल सचिन, एग्री बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा कुछ हमारा मोटिव नहीं रहता, यहाँ पे हमारे लिए सब जीमेल आईडी होंगी, है ना, जो ये दिख रही है सब जीमेल आईडी है। माना कि इसके पीछे एक सजीव इंसान है जो प्रॉपरली खा पी रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए सिर्फ जीमेल आईडी है। तो जैसे मान लो बहुत बार कोई पुष्पा आ जाती है लेकिन वो होता लड़का है, बहुत बार रमेश आ जाता है वो होती लड़की है, तो हम इमोशंस पे नहीं जाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन मेल आईडी ज्यादा बार बार दिख रही है जो आंसर कर रही है, तो हम उसको एक बच्चा मान के रिप्लाई कर देते हैं। सचिन कलमोदिया उनका नाम कुछ और था, जो नवोदय में पढ़ाते हैं अभी, शायद टीचर है, मैंने उनको वर्ग 2 में 2018 में पढ़ाया था, है ना। अच्छा नहीं मिला सर पीडीएफ, मिल जाएगा बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करके बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे यदि आप सर्च करोगे ना माइंड फॉर एकेडमी तो मिल जाएगा वहां पे, या फिर मैथ्स बाय जय सर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा नवोदय वाले ही हो, वेरी गुड, बढ़िया, नेक्स्ट, बढ़िया, अच्छी बात है, नवोदय में जो पढ़ा रहे थे आप। ओके, 7 sin² θ प्लस 3 cos² θ बराबर 4, इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर लेता हूं, 7 को लिख लेता हूं 4 sin² θ प्लस 3 sin² θ प्लस क्या कर लेता हूं 3 sin² θ प्लस 3 cos² θ बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 sin² θ, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा प्लस 3, और ये हो जाएगा sin² θ प्लस cos² θ बराबर 4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 sin² θ बराबर 4 - 3, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब sin² θ बराबर 1/4, है ना, ये 1 आ जाएगा और ये बटे में क्या चला जाएगा 4, मतलब sin θ बराबर 1/2, और sin θ की वैल्यू 1/2 कब होती है, sin 30, साइन कितने पे 30 डिग्री,
और 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 30 इंटू पाई बाय 180 3 6 18 मतलब आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, पाई बाय 6 करेक्ट हो। वेरी गुड, जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया पाई बाय 6, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, पाई बाय 6 इसका करेक्ट आंसर है, पाई बाय 6 बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आइडेंटिटी है उससे बेस्ड, देखो बहुत बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को आपको टाइप याद होना चाहिए, है ना, जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, यदि आप दूसरे तरीके से करने जाएंगे तो मे भी हो सकता है थोड़ी कठिनाई आए, या फिर दोनों में आपने कॉस से भाग दे दिया फिर उधर कॉस लेके जाओ बहुत लफड़े हो जाएंगे। वैसे ही इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। मैं आइडेंटिटी को एक उठाऊंगा, पहले उसको सॉल्व आउट करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि देखो अब इस पे क्वेश्चन ऐसा बनता है, ऐसी आइडेंटिटी बना देते हैं और उस पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ऐसी आइडेंटिटी बना देते हैं फिर उस पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक आइडेंटिटी बेसिक सी मैं आपको उठाता हूं, आप लोगों ने पढ़ा अभी आज कि एक क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूं, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये तो वही कर पाएगा ना जिसको इस बेसिक आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि यहां तो कन्वर्ट करने जाएगा तो कन्वर्ट करने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, sec थीटा 1 बाय cos हो जाएगा, ये भी sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, दोनों में कॉमन cos आ जाएगा, फिर cos उधर जाएगा और फिर उसके बाद सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन यदि किसी को पता हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये कहां चला जाएगा बटे में, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो अब जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको हमेशा ये याद आ जाएगा तुरंत, कि जहां sec थीटा tan थीटा माइनस में दिखता है वहां प्लस में उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये मैं आगे जाके आपको ये सारी चीजें करवाऊंगा, अभी जो मैंने चीजें आपसे डील की है वो डील की है बहुत छोटी छोटी सी, डिग्री सबको पता है, रेडियन सबको पता है, बेसिक आइडेंटिटी साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तीन बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से बनते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं जिन चीजों पर डिस्कस करने आया हूं उन चीजों पर बात करेंगे। अगला दिया है कॉस थीटा बराबर 15/17, कितना दिया है 15/17, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इनको जरूर सॉल्व कर लेंगे। कॉस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, अब देखो मैंने ये आपको नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन मैं बता देता हूं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा, मैं सिखाऊंगा ये भी करना है ना, टेन थीटा, तो आपको सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या हो, है ना, आपको मैंने ये सॉल्व करके बता दिया, बाकी मैं समझाऊंगा कि ये कहां से आया। इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट, तो जब मैं क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा तो एक एक चीजें बताऊंगा, क्वाड्रेंट कैसे बनता है, क्वाड्रेंट क्यों बनता है, क्वाड्रेंट में क्यों माइनस होता है, क्वाड्रेंट में क्यों प्लस होता है, क्योंकि रटवाने को तो रटवा दूं, पहले में 6 प्लस दूसरे में साइन कॉस साइन कोसेक तीसरे में टेन कॉट उधर सेक कॉस हो गया खत्म, इतना सा क्वाड्रेंट है। लेकिन मैं बताऊंगा कि नहीं, नेगेटिव गया तो क्यों गया भैया, साइन दूसरे में ही नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे में नेगेटिव हो गया है, तो क्यों नेगेटिव हुआ क्यों पॉजिटिव हुआ, ये चीजें भी समझाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर 15/17, तो यहां से हम लोग ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर, अब मैं ट्रिपलेट के बारे में भी थोड़ा आइडिया आपको दूंगा, ट्रिपलेट क्या होता है ट्रिपलेट के बारे में भी बताऊंगा, ट्रिपलेट निकालना भी बताऊंगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 8 में 2 गया 6, 64, 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर बराबर 8, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस बराबर कितना है 15, तो 8/15, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 8/15 सही उत्तर।
वेरी गुड, लगभग जितने भी बच्चों ने आंसर दिया 8/15 करेक्ट आंसर दिया। नाउ वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पहले मैं क्वाड्रेंट पढ़ा देता हूँ आपको। व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, पढ़े पहले तो एक बार बताओ जल्दी से क्वाड्रेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उस हिसाब से हम लोग आगे बात करते हैं। क्योंकि क्वाड्रेंट फिर मैं पूरा समझाऊंगा तो एक घंटा, आधे एक घंटा चाहिए, एक घंटे के लिए हम लोग इंगेज हो जाएंगे आधे एक घंटे के लिए। क्वाड्रेंट में एक एक चीजें समझाऊंगा, क्वाड्रेंट में क्यों माइनस होता है, क्यों प्लस होता है, फिर उसका क्या फायदा मिलता है, एंगल कैसे पहुंचता है वहां तक, किस तरीके से काम होता है, सब चीजें डिस्कस करें। चले बताओ क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइज? जी बिल्कुल। 888-15-17 इनको निकालने का तरीका भी होता है, सब चीजें होती है, सब चीजें बता सकता हूं मैं एक एक करके। बेटा अपन क्या कोशिश कर रहे हैं, 3 घंटे में सब खा ले वो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे, है ना। ओके चलो, तो क्वाड्रेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। इसको एक एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला, इसको इस वाले को एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। जो वाई होता है वो साइन थीटा होता है और जो एक्स होता है वो कॉस थीटा होता है। जो वाई होता है वो साइन थीटा होता है, जो एक्स होता है वो कॉस थीटा होता है। इधर एक्स माइनस में होगा और इधर वाई माइनस में होगा, बस इतना सा क्वाड्रेंट है, खत्म। अब हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, यहां पर x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव, ये इस तरफ x माइनस में चला गया, y प्लस में रहा। यहां पर x माइनस में है और y भी कायम है माइनस में, और यहां पर x तो प्लस में रहा लेकिन y क्या है, माइनस में, करेक्ट। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि x और y दोनों प्लस का इधर है, इधर y प्लस का है लेकिन x माइनस का है, या x माइनस y भी माइनस। इधर x जो है वह उस तरफ क्या है, प्लस है, इधर y क्या है, माइनस है, दोनों के बीच का एरिया प्लस माइनस। तो x क्या है, x है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा प्लस में, और कॉस और साइन से रिलेटेड क्या है, टेन, टेन थीटा भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब दोनों प्लस में तो ये भी काय में आएगा, प्लस में आएगा, टेन भी प्लस में आएगा, और ये तीनों प्लस में तो इनके अपोजिट जो है वो क्या, कॉसेक प्लस में रहेगा, कॉसेक प्लस में रहेगा, कॉट प्लस में रहेगा, और टेन भी सेक प्लस में रहेगा, सब चीजें क्या हो जाएगी, प्लस में। तो यहां पर लिखा जाता है कि ऑल पॉजिटिव, यहां पर जितने भी एंगल की वैल्यू आएगी, सारे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सारे एंगल की जितने भी एंगल है सबकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर नेगेटिव हो जाता है, कौन, एक्स, एक्स नेगेटिव हो जाता है, मतलब कॉस थीटा काय में पहुंच जाता है नेगेटिव, और कॉस थीटा नेगेटिव में पहुंच जाता है लेकिन साइन काय में रहता है पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव में साइन पॉजिटिव में, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो माइनस का है, कॉस थीटा काय का है, माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू तो माइनस में आएगी, तो टेन भी काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब यहां पर दो चीजें पॉजिटिव है, कौन कौन पॉजिटिव है, एक साइन थीटा पॉजिटिव है और एक कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा है, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, और टेन नेगेटिव कॉट नेगेटिव हुआ तो यहां पर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव रहेगा। ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ये इनके इन एक्स और वाई से रिलेट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। एक बार फिर से बताऊं, हाँ रोज क्लास होगी, है ना, डेली पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें रेगुलर पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ क्या वो सूझ पड़ रही है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे रटवाने को मैं रटवा सकता हूँ कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सर्कल बताया था, उस सर्कल पर वापस पहुंचाता हूं क्योंकि ये सर्कल बहुत काम का है भैया, ये सर्कल मामूली चीज नहीं है, लग रही है नॉर्मल सी लेकिन आधी ट्रिग्नोमेट्री इसी में समाप्त हो जाएगी। इस ट्रिग्नोमेट्री में आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पर सब वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, क्यों पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, लेकिन इस तरफ यदि देखोगे तो x नेगेटिव हो गया, और x नेगेटिव हो गया मतलब cos नेगेटिव हो गया, और cos नेगेटिव हो गया मतलब tan नेगेटिव हो गया, लेकिन sin तो पॉजिटिव है, और sin पॉजिटिव है तो sin का भैया पॉजिटिव है, कौन, जस्ट उल्टा वाला cosec,
साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव है, यहां पर यदि मैं लिखूं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, जबकि यहां पर ऑल पॉजिटिव है। यहां पर अगर जो तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाना चाहा है, कहां पहुंच गए हम लोग, यहां पर, इसके पहले पढ़ा रहा था यहां पर। यदि यहां पर हम बात करें तो यहां साइन भैया नेगेटिव, यहां पर साइन भैया नेगेटिव, और यहां पर कॉस भैया नेगेटिव, और यदि ये दोनों नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव, और यहां पर कॉट भी नेगेटिव, सॉरी सेक भी नेगेटिव, लेकिन इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव, लेकिन टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो दोनों कट के प्लस हो जाएंगे, तो टेन थीटा का ही में आ जाएगा प्लस। तो यहां पर ध्यान दोगे है ना, यहां पर ध्यान दोगे तो टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। देखो ये चीजें जो है ना, ये बेसिक चीजें जो है बहुत डीप लेवल पे पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको है ना, मैं डीप लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बहुत सारी जगह पे आपको ये रटवा दिया जाएगा कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है हमको नहीं मालूम है, आप रट लो, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव होता है क्यों होता है हमको नहीं मालूम, रट लो, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है आपके हिसाब से ढूंढ लो, ऐसा नहीं चलेगा, चीजें समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर साइन वाई क्यों लेते हैं वो भी तो बताया मैंने आपको, कॉस एक्स क्यों लेते हैं वो भी तो बताया मैंने आपको, वो सर्कल क्यों बनाया था, यूनिट का सर्कल बनाया था, यूनिट के सर्कल में हमने बोला था कि इस लेंथ, ये जो रेशो वाली लेंथ है ये साइन के लिए आती है, ये वाली जो रहती है ये कॉस के लिए आती है, सिंपल सी बात, वहां से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर जो जाते हैं तो यहां पर एक्स जो है, अब भाई साहब कॉस की बारी आती है, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा तो सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा ये साइन है तो साइन थीटा नेगेटिव है और कॉसेक थीटा भी नेगेटिव है, और ये दोनों नेगेटिव है तो 10 पे भी नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 10 थीटा यदि निकालोगे तो साइन थीटा ऑलरेडी माइनस में है, कॉस थीटा भले ही प्लस में, तो क्या हुआ ये माइनस में बना देगा, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और कॉट की वैल्यू भी काय में आएगी नेगेटिव में, मतलब साइन थीटा नेगेटिव, कॉसेक थीटा नेगेटिव, 10 थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना, सही बात है सर, आपने डिटेल में बताया, बिल्कुल पूरा डिटेल, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इतना ही डिटेल में जाएं, और डिटेल में भी जाएंगे अपन, जितना आप दम मारोगे उससे डबल दम मारूं, आप तो बोलो तो सही, उसके लिए जरूरत है बस जज्बे की, लगातार पढ़ने की। और हाँ, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, ये भी मैं बोल देता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार में हार मान लेते हैं, नहीं मानना बेटा, नहीं समझ में आया चार बार पढ़ना, गणित है ना वो मशीन हो, और मशीन चीजें एक बार में नहीं समझ में आती, जैसे गाड़ी है ना, आप एक बार गिरोगे नहीं, घोड़े फूटेंगे नहीं तब तक नहीं चले, और दो तीन बार फूट गए ना तो आपको आइडिया लग जाए, मतलब समझ रहे हो, जरूरी नहीं फूटना ही है जबरदस्ती है ना, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि एक आध बार फूटते हैं तो आइडिया लग जाता है, तो वैसे ही गणित के साथ है, जब तक हाथ नहीं चलेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, एक दो बार कोशिश करोगे बनने लगेगा, नहीं है ना, एक क्वेश्चन है ना दिन भर लेके बैठ जाओ, नहीं बनेगा तब तक करते ही रहेंगे, सब पूरा दम मार देंगे, आज तक की जितनी गणित पढ़ी हमने 10-12 साल में सब उसी में डाल दो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, है ना। तो यहां पर मैंने आपको जो समझाया इसमें बताया ऑल पॉजिटिव, साइन और कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां पर अगर जो हम देखते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब इस डायग्राम को मैं सिंपल वे में लिख देता हूं। अब रटन विद्या वाले में, तो रटन विद्या वाले में यदि आप देखोगे तो यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहां पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, मुझे एक बच्चे को ये तो यही नहीं लग रहा होगा कि हाँ ठीक है भैया ये पॉजिटिव है पर करे क्या इसका, हाँ ये पॉजिटिव है मान लिया लेकिन करे क्या इसका, क्या काम आएगा ये, काम ऐसे आएगा कि जब आप यहाँ वैल्यू निकालने जाओगे, एंगल है ना ये 90 डिग्री से आगे बढ़ रहे हो ना, तो 90 डिग्री से मान लो 45 डिग्री और आगे बढ़ा दिया, 90 से 45 मतलब 135 डिग्री पे वैल्यू ढूंढ रहे, तो यदि साइन की वैल्यू ढूंढोगे तो पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, नहीं कॉसेक की भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन टेन कॉट सेक और कॉसेक नेगेटिव आएगा, है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझना। देखो जो बातें मैं तो क्लियर करता हूँ, मैं इतना सोचता नहीं, उसका रीजन ये कि हाँ यार पढ़ने आया नहीं आता है तभी तो पढ़ने आया, नहीं तो क्यों पढ़ने आते हैं, है ना। यहाँ पर टेन और कॉट की बात करें तो यहाँ पर टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जब आप 90 से घूम के इधर आगे पहुंच जाओगे, मतलब 270 से लगाकर किसके बीच में ढूंढोगे, 180 डिग्री के बीच में यदि वैल्यूज ढूंढोगे, 270 से लगाकर 180 के बीच में वैल्यू ढूंढोगे तो कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। जैसे किसी ने बोल दिया कि एक बात बता भाई,
टेन 225 कितना होगा, तो टेन 225 कितना होगा नहीं मालूम पर प्लस में होगा, ये मुझे मालूम, मैं निकाल दूंगा वैल्यू, तो मैं निकाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आएगी। अच्छा ये बता कि यदि मैं कॉसेक का निकालूंगा 225 तो कितना आएगा, हाँ आ जाएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब कम से कम आपको इतना ज्यादा आइडिया लगने लगा ना, एक ही दिन में कलेक्टर थोड़ी ना बनेंगे, धीरे धीरे करके बनेंगे एक एक कर, ठीक है एक एक करके। अच्छा सिल्वर टीकअप से याद आया कि माइंडपुर एकेडमी का सिल्वर बटन बिल्कुल आ चुका है, तो जल्दी हम आप लोग सिल्वर बटन के साथ मिलने वाले है ना, जो है माइंडपुर एकेडमी 1,00,000 सब्सक्राइबर बहुत टाइम हो चुका है पार किए हुए, सिल्वर बटन रखा हुआ है, लेकिन हमारा मेन फोकस आपकी पढ़ाई पे है, तो हम नहीं सोच रहे कि सेलिब्रेट किया जाए, आराम से सेलिब्रेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेशन बाकी रहा वो, हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं तो इसी पे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल। ओके तो ये पूरा डायग्राम देने वाला हूं मैं आपको, ये देखो ये डायग्राम बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों चुभ रहा है, लेकिन मुझे बहुत शानदार लगा ये, मतलब इसमें एक एक चीजें क्लियर कर दी बेचारे ने, डिग्री भी लिख दिया, रेडियन भी लिख दिया, वैल्यूज भी लिख दी, हर एक की वैल्यूज भी लिख दी, हर एक चीजें आपको यहां से आप समझ सकते, हर एक चीजें वैल्यूज यहां से देख सकते, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वाड्रेंट का यूज करना सीखते हैं, क्वाड्रेंट को यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, क्वाड्रेंट का यूज कैसे होगा, क्वाड्रेंट को यूज कैसे किया जाता है, किस तरीके से वो काम करता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट में, अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊंगा, बाद में रटवाऊंगा, पहले रटवा रहा हूं बाद में समझाऊंगा, पहले रटवा रहा हूं बाद में समझाऊंगा, है ना। ये जो है इसको नॉन चेंजिंग लाइन बोलेंगे, नॉन चेंजिंग लाइन मतलब हिंदी में बोला जाए तो नहीं बदलेगा, बस ये याद कर लो, नहीं बदलेगा, और ये जो लाइन है बदलेगा, तो हमको बदलेगा वाली लाइन से कोई काम नहीं है, नहीं बदलेगा वाली लाइन से काम, हमको बदलेगा वाली लाइन लेना ही नहीं है, गणित में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बना के रखी है हमारे कोई काम की नहीं, हमको नहीं यूज करना, हम नहीं बदलेगा वाली से काम कर लें। अब कैसे काम करेंगे वो देखना, जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक बात बताओ जय सर कि 135 डिग्री एंगल तक पहुंच गया, कितने डिग्री एंगल तक पहुंच गया 135 डिग्री, और मुझे बताओ कि साइन 135 डिग्री का मान कितना होगा, कितने डिग्री का मान चाहिए 135 डिग्री। अब जय सर ने अपना दिमाग टटोला और उन्होंने बोला कि मैंने तो 90 डिग्री तक रटा हुआ है, 90 डिग्री से आगे तो मुझे नहीं आता, अब 90 डिग्री से आगे मैं कैसे जाऊंगा। तो भैया यूनिट के सर्कल पे काम कर रहे हो, यदि एक क्वाड्रेंट की बात करोगे तो चारों क्वाड्रेंट एक जैसे होते, बराबर होते, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना सर सब जगह वैल्यू सेम सेम क्यों आ जाती है, उसका रीजन होता है क्वाड्रेंट सेम होते हैं, हर तरफ क्वाड्रेंट सेम है तो वैल्यू सेम आनी है, वैल्यू कहां जानी है, वैल्यू तो वहीं की वहीं रहनी। तो यहां पर अगर जो मान लो किसी ने बोला कि साइन 135 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बेटा ये 135 डिग्री आप हमेशा नॉन चेंजिंग लाइन से जोड़ना, चेंजिंग लाइन से मत ढूंढना, नॉन चेंजिंग लाइन से ढूंढना। नॉन चेंजिंग लाइन कौन सी वाली है, तो नॉन चेंजिंग लाइन ये वाली, यहां से आपको डिस्टेंस देखना है हमेशा इसी लाइन से, जैसे इस तरफ कोई वैल्यू है तो यहां से देख लेना, इस तरफ कोई वैल्यू है तो यहां से देख लेना, इस तरफ कोई वैल्यू है तो यहां से देख लेना, हमेशा नॉन चेंजिंग लाइन से ढूंढना, कहीं और से मत ढूंढना। जैसे नॉन चेंजिंग लाइन यहां पर कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो सर मैं 135 को लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 180 में से 45 घटाता हूं तो कितना आता है 135 आता है, बात तो बराबर है। 180 में से 45 घटाता हूं, 180 में से 45 घटाता हूं तो 135 आता है, लिखा तो भाई का भाई। और 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन पर है, 180 मतलब नॉन चेंजिंग, नॉन चेंजिंग का मतलब बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, थीटा थीटा ही रहेगा। अब डिसाइड करना है कि आगे साइन कौन सा है, तो आगे साइन ये डिसाइड करेगा क्या साइन यहां प्लस में है क्या, बिल्कुल यहां साइन प्लस में है तो यहां प्लस में आएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मुझे मालूम नहीं समझ में आया, मुझे मालूम नहीं समझ में आया, मैं हर क्वेश्चन के कम से कम 5 एग्जांपल देता हूं तब बोलता हूं अब सूझ पड़ी हो, ठीक है। तो अभी तक हमको ये समझ में आया कि यदि कोई एंगल निकालने का बोले तो हम एंगल यहां से नापते हैं, किस जगह से नापते हैं, इस जगह से देखते हैं, कैसे। जैसे किसी ने बोल दिया कि 10-150 डिग्री निकालो, तो 10-150 डिग्री निकालो, तो 150 डिग्री निकाल के बताओ, तो 10-150 डिग्री मतलब यदि यहां से 150 डिग्री देखना है तो 150 डिग्री यहां से यहां तक। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये वाली लाइन क्यों नहीं सिखा रहे, बेटा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं एक ही चीज सिखाना चाहता हूँ और ऐसी सिखाना चाहता हूँ जिससे सब बन जाए, है ना। 50 चीजें सिखाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को हर चीजों का हर कॉन्सेप्ट, मतलब
मिक्स कर करके पता है, इतने पेपर सॉल्यूशन कर लिए, इतनी बुक्स पढ़ ली, इतना सब कुछ दिन रात मटेरियल पे काम किया, तो सब चीजें आप एक क्वेश्चन को बोलोगे मैं पांच पांच तरीके सॉल्व करके बता दूं। लेकिन मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता, आप गणित के टीचर मतलब अगर जो पीएचडी करना चाहते हो ना, फिर मेरे पास आना, एक बार एग्जाम निकाल लो फिर मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कितना मजा आता है गणित, है ना। दिन भर मैं यही करते रहता हूं, जब खाली बैठा रहता हूं मैं सोचता हूं कि इसमें तुक्का भी मारेंगे तो कैसे मारेंगे, बताओ यार, सोच के देखते हैं अपन तुक्का कैसे मारेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक एक वे ढूंढना चाह रहा जिससे आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो हम लोग यहां पर पहुंचे कि ये 150 डिग्री एंगल है, 135 से आगे 150 डिग्री एंगल बना, यहां पर कोण कितना होगा काई का, 10 का। तो मैंने बोला कि जब भी कोई कोण ढूंढना हो तो आप काई से ढूंढोगे, नॉन चेंजिंग लाइन से, नॉन चेंजिंग लाइन 180 से 150 कितना कम है, तो मैंने लिख लिया 10, 180 से 150 30 कम है, यदि 30 घटा दूंगा तो 150 आ जाए, और 30 घटाने पे 150 आ जाएगा, मतलब 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि बदलता तो है नहीं, 10 तो 10 ही रहता है, कॉट तो कॉट ही रहता है, सेक तो सेक ही रहता है, लेकिन 10 यहां पर माइनस में है, 10 यहां पर माइनस में, मतलब आगे क्या लग जाएगा, माइनस, मतलब माइनस 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मतलब -1/√3 इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -1/√3। तो ये जो होता है ये काम आता है क्या, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इसी काम को, काम के लिए यूज होता है। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बताओ साइन 315 डिग्री बराबर कितना होगा, कितना पूछा, साइन 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री कितना होगा, तो मैंने ऐसे करके एक डायग्राम बनाया, ये लिखा 90 डिग्री, ये लिखा 180 डिग्री, ये लिखा 270 डिग्री, भैया 315 डिग्री तो मजे ही ला दिए, ऐसे घूम के साइन यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया, और साइन यहां आ गया, तो नॉन चेंजिंग लाइन कहां है मेरी, तो नॉन चेंजिंग यहां से तो बहुत दूर है यार, यहां से पास में नॉन चेंजिंग इतनी सी दूर है, यहां से इतनी सी दूर है, ये कितना डिग्री एंगल है, 315 डिग्री एंगल है, ऐसा लिख लेता हूं 315 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री है, 315 डिग्री, और नॉन चेंजिंग लाइन जो है मेरी वो नॉन चेंजिंग लाइन ये वाली है, मतलब यहां पर 180 डिग्री है तो यहां पर जीरो होगा या कितना होगा, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री है, मतलब ये कितना कम है, तो साइन 360 से 45 कम करते हैं तो 315 आ जाए, 360 से 45 कम करते हैं तो कितना आता है, 315 आता है, मतलब साइन कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन साइन यहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, कौन साइन, क्योंकि साइन तो यहीं पे प्लस होता है, यहां पे प्लस होता है, यहां माइनस होता है, तो इसका मतलब ये माइनस आ जाएगा, और माइनस साइन 45 मतलब -1/√3, आंसर कितना हो जाएगा, -1/√3। अच्छा मैं जो समझा रहा हूं ज्यादा नहीं, 10-20% तो समझ में आ रहा है ना, 10-20% 33%, है ना, अपन धीरे 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 बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत आगे तक पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, है ना, एक एक करके, ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मान लो उसने पूछ लिया कि भैया एक काम करो तुम तो बता दो कि 10 225 डिग्री कितना हो, कितना, 10 225, तो 10 225 मतलब 180 से ज्यादा, 270 से कम, 180 से ज्यादा 270 से कम, मतलब 225 कहाँ आ जाएगा, ऐसे करके लगभग इधर ही कहीं आएगा 225 डिग्री, और 225 डिग्री इधर आएगा, मतलब ऐसा कुछ कोण बनेगा 225 डिग्री। अब नॉन चेंजिंग लाइन से कितना दूर है, दूर है तो 180 से कितना ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है ये, 180 प्लस कितना है 45, तो बेटा ये 180 से ज्यादा होगा, इधर होगा तो 180 से कम होगा, इधर होगा 360 से कम होगा, और यहाँ तो कोई चिंता है ही नहीं, यहाँ के तो सब याद है, यहाँ के तो मुझे याद है, यहां 180 से कम है, यहां 180 से ज्यादा है, और यहां 360 से कम है, क्या जो मैंने लाइन लिखी समझ में आई, है ना, तो बोलते जुगाड़ ना, ये सब जुगाड़ कर लिया हमने कि अगर जो ये क्वेश्चन आया तो यहां तो याद है, यहां 180 से कम रखूंगा, यहां 180 से ज्यादा रखूंगा, वहां 360 से कम रखूंगा, बन जाए। अब यहां पर देखा 180 से 45 ज्यादा, मतलब 10 कितना आ गया, 45, और 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, 10 पॉजिटिव होता है, 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 10 पॉजिटिव होता है तो यहां पर 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, खत्म, आंसर कितना आ गया 1, समझ में आ रहा है, अब आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, एग्री बेटा, मैंने खुद नहीं बोला था, मैं खुद मतलब पढ़ाता हूं ना, मुझे चीजें समझ में आती है, आप मेरे सामने बैठे होते ना तो और मजे आते हैं ना, अगली बार क्लास में आप बहुत सोच समझ के बैठते, मेरी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ना तो बिल्कुल मजे लेके पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक मतलब कहीं भी आप किसी भी कोने में बैठो घिरा जाओगे अगर जो ध्यान नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको और आइडिया लग जाएगा, है ना।
इवन मैं और डीप लेवल पे भी इसको आप चाहो तो मैं ले जा सकता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, साइन का कैसे बनता है, कॉस का कैसे बनता है, टेन का कैसे बनता है, समझा दूंगा वो भी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब जितना आप इंटरटेन, मतलब जितना आप जुड़ते जाओगे उतना डीप लेवल पे मैं लेके जाते जाऊंगा। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी, जैसे मान लो अपने एक्स वाई एक्सिस पर दर्शाते हैं, उसमें साइन थीटा की वेव कैसे बनती है, कॉस थीटा की वेव कैसे बनती है, टेन थीटा इनफाइनाइट तक कैसे जाता है, उसकी वेव कैसे इस तरीके से शो करती है, क्यों करती है, सब बता सकता हूं मैं, है ना। मतलब मैंने जो है वो मैथ्स बहुत डीप लेवल पे पढ़ी है तो वहां तक भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि आपको जो आना है ना वहां तक पहुंचाया जाए, ज्यादा डीप नहीं। फिर अपन एक काम करेंगे, आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, फिर आना तो अपन बैठ के पीएचडी करेंगे गणित पे, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पर मैंने लिया कि कॉस 150 डिग्री, उसके अलावा सेक 300 डिग्री, बताओ दोनों का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, एक बार क्लास शेयर कर दो, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। यदि आप लोग बोर हो गए हो तो आप बता सकते हो, है ना। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए मुझे डांस वांस तो आता नहीं है, बस क्लास बंद करके मैं चला जाऊंगा फिर, है ना। ओके ओके, फास्ट करो सर, फास्ट का ही काम, कल सोमवार है बेटा, कल रहेगा फास्ट, आज तो फास्ट नहीं है। सर वे इजी है टीचिंग का, थैंक यू सो मच, है ना, बढ़िया है। चलो cos 150, cos 150 मतलब यहां से मैं कर सकता हूँ cos, इस जगह लिख लेता हूँ cos 180 माइनस कितना 30, मतलब cos 150 डिग्री, cos 150 का ही में आएगा, 150 नहीं 150 ना 30, तो cos 30 आ जाएगा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है माइनस रूट 3 बाय कितना, यहाँ पर sec 300 की बात करें, sec 300 यहाँ तक घूम के आ जाएगा, मतलब sec 360 माइनस 60, मतलब ये हो जाएगा sec 60, और sec पॉजिटिव होगा, sec 60 की वैल्यू क्या होगी cos 60 की अपोजिट, cos 60 1 by 2 होता है, sec 60 बराबर कितना आएगा 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2, है ना। 60 1 by root 2 नहीं 1 by 2 होता है, 2 आएगा बेटा, इसका 2 करेक्ट रहेगा ना, कुछ बच्चे root 2 बता रहे हैं, गलत है, 1 by 2 आएगा, 1 by 2 का उल्टा आएगा 2 आएगा, और फर्स्ट वाले का root 3 by 2 आएगा, करेक्ट, फर्स्ट वाले का माइनस root 3 by 2 और इसका 2, है ना, हाँ 2, सेकंड वाले का सही बहुत कम लोगों ने बताया, शुभम ने सही बताया, है ना, है ना, सेकंड वाले का कितना आएगा 2। चलो आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इसमें अवेलेबल, ये मैंने इतने सारे पेज लिए थे आपको समझाने के लिए पर मैंने कहीं और ही समझा दिया। पहला सवाल 225 डिग्री, साइन 225 सॉल्व करने की जगह आप मुझे सिर्फ तोड़ के ही बता दो क्या होगा, साइन 225, साइन 225 क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस 45, बाकी मैं जानता हूं कि आप समझा दोगे कि क्या होगा, 180 प्लस 45 मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, टेन 305 तो इसका मतलब हो जाएगा टेन 360 माइनस कितना 45, मतलब ये हो जाएगा 45 की 55, गलत लिख रखा है, 305 वैल्यू निकाल नहीं सकते, 315 होना चाहिए तब जाके सॉल्व होगा, तो टेन कितना आ जाएगा 45। अब ये भी बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं निकल सकता, है ना, 305 भी निकल सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उससे नहीं निकल सकता, कॉम्प्लीमेंट्री से वही निकल सकती है जो वैल्यू हमको याद है, 0 30 45 60 और कितना 90, फिर उसके अलावा अगर जो आपको वैल्यू चाहिए तो फिर आप एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे तब जाके निकलेगा, आपको जो बेसिक वैल्यू है वही इससे कैलकुलेट हो सकती है, कौन से वाले से, आपके क्वाड्रेंट से, यदि आपको किसी की वैल्यू पता है, जैसे यहाँ पर 55 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो ही आप फिर 55 डिग्री निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, तो आपको 55 डिग्री नहीं मालूम, तो ये 315 होता तब 10:45 आता, लेकिन माइनस का आता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा sec 225 मतलब sec 180 प्लस कितना हो जाएगा 45, और sec 45 मतलब माइनस sec 45 डिग्री, वैल्यूज आप लिख सकते हो, वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ये सारी मैंने काय में दे रखी है, आपको जो नोट्स दूंगा उसमें रहेगा। cos 135 तो cos 90 प्लस क्या हो जाएगा 45, मतलब cos 45 डिग्री आ जाएगा, 90 प्लस 45 नहीं 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 तो ये हो जाएगा माइनस cos 45, ठीक है। उसके अलावा sin 240 मतलब sin 180 प्लस कितना हो जाएगा 60, मतलब ये हो जाएगा माइनस sin 60, और लास्ट वाला 300 cosec
360 माइनस 60 मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 60, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी। पहले वाले की आंसर आएगा माइनस 1 बाय रूट 2, इसका वैल्यू आएगी माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी सेक 45, कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो ये रूट 2 हो जाएगा माइनस रूट 2। ये वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी माइनस रूट 3 बाय 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 बाय रूट 3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है, साइन 225 नेगेटिव, टेन 315 नेगेटिव, सेक 225 नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव आएगा, साइन भी नेगेटिव आएगा, कॉसेक भी नेगेटिव आएगा, सारी वैल्यूज नेगेटिव रहेगी, ठीक है। चलो तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेंट सारे पढ़ लिए, क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज पढ़ ली, ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पूरक और संपूरक कोण जो है वो मैं अब आपको कल पढ़ाऊंगा, है ना। आज जो हमने बहुत लंबी क्लास नहीं ली, कितने घंटे पढ़ लिए, लगभग 2 घंटे के आसपास हम लोगों ने पढ़े हैं, ज्यादा समय हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्या आप लोग और भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आगे हम लोग पढ़े, नहीं तो मैं आगे जो कंटिन्यू है, कौन सा वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज चालू हो जाएगी जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो मैंने क्लास ली इसमें मैंने बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें आपके सामने कवर कर दी। मैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इसलिए भी कवर नहीं करना चाहता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक पार्ट है जिसको 2 घंटे से 3 घंटे में पढ़ाऊंगा, और उस 2 घंटे में लगभग आपका ट्रिग्नोमेट्री आधा कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बेस्ड कम से कम आपके आधे क्वेश्चन होंगे, 30-40% उसी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, यहीं विराम देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं कि लगातार आप क्लास से जुड़े रहें, विश्वास करिए, है ना। मैं ये फेथ दिलाता हूं आपको कि यदि आप लगातार जुड़े रहें तो इतनी मेहनत करेंगे कि पेपर वो कहीं से भी बनाए, हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन डन है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि पढ़ मतलब नोट सारा बना लेंगे, इतना सारा बना लेंगे सब कुछ, लेकिन वो उसमें से कितना अपने अंदर अंदर पहुंचा पाएंगे वो पता नहीं है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मैक्सिमम आपसे करवा पाऊं, मैक्सिमम आपके अंदर उतार पाऊं, मैक्सिमम आपसे सॉल्व करवा पाऊं, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी से जुड़े रहें, है ना। और जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हैं 9685854433 पे। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको लगातार जो माइंड फॉर एकेडमी की जितनी भी गतिविधियां हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये टेलीग्राम चैनल है दोनों, माइंड फॉर एकेडमी का और मेरा भी है मैथ्स बाय जय सर। वो मैंने स्पेशली अलग सिर्फ इसलिए बनाया, उसमें कोई दूसरा और कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो इसलिए बना हुआ है कि प्रैक्टिस शीट उस पर डल जाए, क्योंकि इसमें सारा मटेरियल आता है सब कुछ। प्रैक्टिस शीट भी अगर जो इस पर डाल देंगे तो सारे सब्जेक्ट की डालने में गड़बड़ी होगी, इसीलिए मैंने वो सेपरेट बना रखा है, आपको प्रैक्टिस शीट ढूंढने में दिक्कत ना आए। उसके अलावा ये आप हम लोगों को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, है ना, सॉरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है ये सिर्फ किस चीज के लिए, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, कभी भी कोई मैसेज करेंगे तो उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। माइंड फॉर एकेडमी का भी इंस्टाग्राम है और उसके अलावा मेरा भी है जय सर के नाम से, दोनों में से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ये दोनों है हमारे यूट्यूब चैनल, जिनको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लासेस लगातार यहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। रही बात कोर्सेज की, तो माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आपको जाके सिर्फ सर्च करना है माइंड फॉर एकेडमी, जिसपे आपको डाउनलोड 10,000+ दिखा रहा होगा और लगभग उसमें बहुत सारा कंटेंट आपका डला हुआ मिलेगा। तो जब आप उसको डाउनलोड करोगे कोर्स सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएंगे। मिनिमम चार्जेस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज अभी ओपन करके देख लेना, चैप्टर वाइज टेस्ट तो अभी डले हुए है ना, टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जो फुल लेंथ टेस्ट है, अभी से फुल लेंथ में इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर का पेपर आएगा, पेपर आएगा उस हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन चैप्टर जो पढ़ाएंगे उनके टेस्ट अभी डले हुए हैं वो मिल जाएंगे आपको। हर चैप्टर की लाइव सेशन रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, उसके अलावा हर चैप्टर के लिए आपको डाउट सेशन भी रखा जाएगा। मे बी यदि आप ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन में भी यहाँ पर डाउट के लिए आपके पास एक बंदा बैठा रहेगा जो डाउट सॉल्यूशन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको जो प्रोवाइड की जा रही है, ये इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है कि आपका सपना जो है वो माइंडफोर का सपना है। यदि आपका सपना पूरा हुआ तो माइंडफोर का पूरा होगा, यदि आपका पूरा नहीं हुआ तो हमारा पूरा नहीं होगा। तो आप नहीं भी जागोगे तो हम आपको जगाएंगे, आप नहीं भी पढ़ोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे माइंडफोर के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक का ध्यान रखें। उसके अलावा कल सुबह जो मैं क्लास लेके आना वाला हूँ वो मैं आपका प्रीवियस जो ये पेपर हुआ है ना प्री का, उसको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है कि सर उस पेपर में जो क्वेश्चन थे उनको एक बार सॉल्व करवा दीजिए। तो मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है, यदि रात भर में मैं उसका पूरा पीडीएफ बना पाया, प्रॉपर कंप्लीट कर पाया, तो मैं कल सुबह उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ 10 से 11। तो मिलते हैं कल, तब तक खुद का ध्यान रखें।
और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी आज की क्लास, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े, अगली बार मैं आपको और चीजें लेके आऊं। बहुत सारी चीजें मैंने दूसरे तरीके से क्लियर करना चाहिए आज, वो सारी चीजें आपको कैसी लगी, जैसे रेडियन हो सकता है आप लोगों को पहले पता हो या ना पता हो, मैंने बताने की कोशिश की कि रेडियन होता क्या है। उसके अलावा मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में और डीप नॉलेज देने की कोशिश की है। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, ताकि आप और डीप लेवल पे पहुंच पाए। तो मिलते हैं कल, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और कमेंट में एप्रिसिएशन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।